गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आई होप आप लोग प्रॉपरली आज इकट्ठा हुए होंगे बिकॉज आज हमारा एन सी आर टी का पार्ट टू है और आ, अगर आपने पार्ट वन अटेंड किया होगा तो वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा ही होगा और पार्ट टू जिसमें कि हमारा एक्सटेंशन जो लेटर पार्ट ऑफ द एन सी आर टी था वो उसके सारे चैप्टर्स यहाँ पे कलेक्टेड होंगे एंड वी विल होप कि इसे हम लोग आज कंप्लीट कर ले बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैंने पिछले बार ये देखा था कि मैं आपको क्वेश्चन दे के थोड़ा सा वेट करता था कि आप सॉल्व करो मैं उसे शायद आज अवॉइड करने का कोशिश करूंगा क्योंकि मैं अपना वो वीडियो फिर से जाके वापस देखा तो मैं उस वीडियो में काफ़ी पॉज देखता था तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अगर आंसर आता है आप लोग को आंसर अटैम्प्ट करना है तो तुरंत अटैम्प्ट किया करो ज़्यादा वेट ना किया करो अदरवाइज़ क्या होता है कि उस वीडियो में बहुत सारा पॉज आ जाता है और जो बाद में बच्चे देखते हैं उन्हें क्या लगता है कि अरे यार इतना पॉज है हटा दो फिर वीडियो हटा देते हैं ठीक है तो आप लोगों को जो भी आंसर आएगा आप लोग तुरंत उसे सॉल्व करना और आगे बढ़ना ठीक है ये नहीं करना है कि हमें आपको उसका वेट किए जा रहा है और थोड़ा सा मैं यहां सेट कर लो तो स्टार्ट करें या आप लोग बोलोगे दो तीन मिनट बिहार की धरती से प्रणाम गुरुजी गुरु जी के वी सिंह तो आप लोग क्या बोल रहे हो स्टार्ट करें या तीन चार मिनट और आपके दोस्तों के लिए वेट कर ले बिकॉज uh, 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 थोड़े से लोग आपको भी पता है हमारे देश में टाइमिंग का क्या चलता है तो पाँच दस मिनट इधर से उधर चलते ही चलता है तो आप लोग बताओ uh, क्या किया जाए वैसे अगर आप लोगों कुछ भी एनसीईआरटी से अच्छा चलो तो थोड़ा सा आपस में बात कर लेते हैं आ, आप लोग में से कितने लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ बिहार से हैं और या सिर्फ बीपीएससी देने वाले हैं केवी सिंह जी आप तो बिहार से ही हैं क्योंकि आपने तो बिहार की धरती का प्रणाम गुरु जी ही लिख दिया आ, मार्टन प्रताप आप कहाँ से हो और निशु को तो मैं जानता हूँ निशु हमेशा आती है फिर निशा जैन गुड इवनिंग फिर अच्छा आप लोग ये मानते हो कि नहीं मानते हो लाइक एनसीआर का फायदा आपको होने वाला है लाइक like, एनसीआर का अगर साइंस आप सिक्स से लेकर टेंथ सॉल्व कर लोगे तो इवेंचुअली आप बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन में रहोगे ना कि सिर्फ एक इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बल्कि आप एस एस सी दे दो बैंक दे दो यूपीएससी दे दो आ, सी आ, न, न, जो भी एग्जाम देता है यार सी ए पी एफ जितना भी आप कोई इंश्योरेंस वाला एग्जाम सारे एग्जाम में कही कहीं ना कहीं इसका काम आता है ठीक है आपकी वजह से मुझे एन सी आर टी से प्यार हो गया है के वी सिंह थैंक यू यार आप तो कुछ ज्यादा ही एकदम फिल्मी डायलॉग दे दिए इसमें तो मैं ही एकदम इमोशनल हो जाऊंगा अच्छा आप वेस्ट बंगाल से निशा जायद चलो स्टार्ट करते हैं बिकॉज जिन्हें आना होगा वो आते रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम उनके वेट करने के लिए सबको हम लोग रोक नहीं सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ठीक है चलो आ, पहला क्वेश्चन अच्छा ये हाँ ऑब्वियसली जो स्टूडेंट नए हैं जो नहीं जानते हैं ये मेरा टेलीग्राम आईडी है आ, इसी पे मैं फाइल्स शेयर करता हूँ और शेयर करते रहूँगा जो भी हम लोग करते हैं वो आपको एन का क्लास चल रहा है हमारा उसके उसको लेके जो भी हो या एम सी क्यू करते हैं उसको लेके कुछ भी हो जो भी सब कुछ होता है वो सब कुछ हम लोग यहीं पे फाइल शेयर करते हैं तो ये डेटा आपके आधार कार्ड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आईडी है तो इसे आप हमेशा रट के रखे रहे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं व्हाट न्यूट ये हमारा जो पहला या दूसरा चैप्टर था न्यूट्रियट्स उससे ये वाला चैप्टर है तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है वॉट न्यूट्रिय ग्रुप इंक्लूड सबस्टांसिस लाइक आयरन कैल्शियम एंड पोटाशियम इसको कार्बोहाइड्रेट कहेंगे फैट्स कहेंगे प्रोटीन कहेंगे मिनरल कहेंगे ये क्या होता है चलो बिकॉज मुझे लगता है वीडियो पे जो मेरा टेलीकास्ट होता है वो थोड़ा देर में होता है बिकॉज मैं देखता हूँ कि आप लोग का रिप्लाई काफी लेट में आता है तो मैं आंसर खुद दे दूंगा आप लोग भी वहां पर ट्राई करते ही रहोगे तो सीधे आगे बढ़ते हैं देखो आंसर यहाँ पे क्या था पहले तो न्यूट्रिएंट ग्रुप हम लोग को पता था कि आपको सीधे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिनरल वाइटमिनस और दो आपको छोड़े हुए थे रफेज एंड वाटर जो कि एनसीआरटीआई बिलीव किया हुआ है उसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्या होता है हाई लक्ष्मी एंड रोहित गुड इवनिंग तो आंसर अपना इसमें क्या होगा देखो आंसर यहाँ पे खुद था कि आयरन पोटेशियम कैल्शियम खुद कह दे रहा तो ये ऑब्वियसली क्या होगा ये डी होगा मिनरल है ठीक है अब ये किसमें अलग अलग जैसे आयरन आपको काम आ जाता है हेमोग्लोबिन में वो आपको ऑक्सीजन को ट्रैप करने में काम आता है आपको कैल्शियम का आ, नहीं 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 देव कुमार सी क्यों कह रहे हो आप सी गलत है डी आपको काम आ जाता है बोन बोन्स में और आपको क्या नाम है टीथ में काम आ जाता है वैसे ही आपको कौ, कौन सा बता है पोटाशियम आपको मसल्स रेगुलेशंस में काम आ जाता है कि नर्व सेल्स में काम आ जाता है जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे अभी सिक्स क्लास में ये चीज़ नहीं बताया गया तो इसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ऑल दो हायर क्लासेज में भी उतना ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना होगा बिकॉज पी के स्टैंडर्ड्स अगर देखोगे तो ये सब नहीं आता है ये नीट के लेवल पर ज़्यादा आता है कि पोटाशियम सोडियम और क्लोराइड कैसे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है लेकिन हाँ आप लोग इतना ज़रूर जान लो कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन का बात आए तो वहाँ पोटाशियम सोडियम uh, और क्लोराइड इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा हार्ट के जो पंपिंग होता है उसमें आपको कैल्शियम का काम आता है तो ये सब अलग अलग जगह से कभी भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि कहाँ पे आपको कौन कौन सा मिनरल का काम आता है तो कैल्शियम तो हमें जनरली पता होता है कि बोन और टीथिया हमें हमेशा आइडिया रहता है लेकिन सोडियम पोटासियम में आप हम लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं तो इसीलिए जो जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसको भी अपने दिमाग में जरूर रखना ठीक है अब मिनरल जो ऑब्वियसली डी आंसर है आप लोगों ने बहुत लोगों ने सही आंसर दिया अब देखो ये मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्लाइड uh, बना के आता हूं बिकॉज uh, जब भी आप ये मैं फाइल शेयर करूंगा तो आपके लिए वो एक रीडिंग मटेरियल बना रहे ठीक है थीके? ताकि आप इसको रेफर कर पाए ठीक है तो पहला ऑब्वियसली बोन टीज जैसे हमने बात किया दूसरा को मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसे हमने बात किया कि जब ये कहते हैं ऑब्वियसली जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब नहीं होता कि खाली मैं बॉडी दिखा रहा हूँ जब हम चल रहे हैं तब भी तो हमारा पैर बेंड कर रहा है मान लो अगर वो पैर बेंड नहीं करता मान लो आपका मसल जो है आपको एक टाइट रबर होता है जो एकदम मुड़ता नहीं है उस टाइप का होता तो क्या आप चल पाते नहीं क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता दैट इज सोडियम और का वहां पे आ, जो कंट्रोल रहता है वो नहीं होता ठीक है इसीलिए आपको आपको ये ब्लड क्लॉटिंग इसमें कैल्शियम का काम आता है, फिर, आ, फिर आपको आता है है फिर नर्व फंक्शन इसमें भी काम आता है तो अलग अलग फंक्शन आता है पोटासियम का हम लोग फंक्शन देख लिए ठीक है मैंने यहां पर दिया हुआ ये आप लोग देख लेना फिर आपको सोडियम का भी दिया हुआ जो मैंने समझाया वही है लेकिन डिटेल में दे दिया यहाँ पे

ये बोल देना कि जो आंसर नहीं है वो कहां कहां होता है इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि हां जो हमें सही पता था वो तो सही पता था और जो आंसर गलत नहीं है इसमें मतलब जो इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत आंसर है वो कहां कहां पे होगा सोच के देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए लक्ष्मी जी। टाइप ऑफ फाउंड इन ह्यूमन स्कल का बात कर रहे हैं हम लोग हम लोग नेक का बात नहीं कर रहे हैं uh, हम लोग स्कल uh, का बात कर रहे हैं ठीक है अलाउज नो नो मूवमेंट मूवमेंट लिख रहा है पे no ये आप वर्ड अगर पकड़ती तो थोड़ा सिंह uh, देखिए सवाल को पढ़िए ठीक से आप लोग uh, नहीं रोहित ये भी गलत है आपने ये काम तो अच्छा किया गया कि हम क्वेश्चन तो लगा दिया कि सर हिंज जॉइंट होगा क्या <laughs> uh, नहीं देखिए आप लोग शब्द को पढ़िएगा ध्यान से ना तो आपको आंसर इसी में दिख जाएगा कि आप देखिए ना हम लोग स्कल का बात कर रहे हैं अगर हम लोग स्कल का बात करें तो स्कल आप देखिए रोहित अभी पाटिल जी सही दिए आंसर स्कल हमारा हिलता है क्या हमारा स्कल तो एक जगह हाँ निशा जी आप भी क्वेश्चन मार के दे दिए हाँ भी सही आंसर है लेकिन आ, आप लोग समझ रहे हो ना मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं भी पता होता तो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हम लोग इसको ये वर्ड्स आपका क्वेश्चन में छुपा हुआ था आंसर आपको देखिए कैसे तीन चार ट्रिक आता है इसमें विस्ट टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन द ह्यूमन स्कल पहले तो स्कल बोला वैसे ही हमारे दिमाग में आना चाहिए था कि ये चीज तो हमेशा फिक्स रहता है तो ये जैसे हमने वर्ड बोला वैसे ही हमारा यहाँ आंसर हो जाना चाहिए था चलो उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है कि हां इसको स्कल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ये तो हमारा हिलते रहता है तो क्या पता ये सही होगा कि नहीं होगा ठीक है अलाउज नो मूवमेंट जब ये वर्ड लिख दिया तो ये तो हम लोग को सीधे नाम हिंट दे देना चाहिए था कि हाँ ये तो पक्का ही फिक्स होगा ठीक तो है तो इसीलिए हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसमें भी बहुत बार आंसर दिखा होता है अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं भी होता ना तब भी आप कर सकते थे ठीक है तो आ, और जो जो जॉइंट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसीलिए मैं इसका भी आंसर नहीं दे रहा हूं अगर आंसर दे दूंगा तो आप लोग

तो वही एक्जैक्टली exactly आपको अच्छा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये बात जान लीजिए कि जो हमारा फिक्स ज्वाइंट होता है ये जुड़ा आपको किससे होता है इसको कहते हैं सर्चर्स कहते हैं तो ये इतना हाई लेवल पर नहीं आएगा पी में लेकिन हाँ फिर भी एक हाई लेवल हम लोग जान लिए कि अगर आता है तो हमको पता रहे आपको अगर मैं एक आ, वो बताऊँ कि जब बच्चा जन्मता है तो आपने सुना होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसको उसके सर को ठीक से मतलब दबाना चाहिए अदरवाइज़ वो क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है वो छू जाता है तो उसका ये जो फिक्स जॉइंट होता है ना वो उस समय उतना फिक्स नहीं होता है वो उसमें फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो ये बात आप सोच के देखिएगा कि इसी को जो फाइब्रस कनेक्शन होता है वो बोन्स को जोड़ रहा होता है फोटो में लिया हुआ हूं आपको ये सब याद नहीं करना है लेकिन हाँ एक बार वर्ड को जरूर देख लो कल को कोई क्वेश्चन आया कि वेयर डू वी फाइंड ऑसिपाइटल बोन तो कम से कम इतना आइडिया रहे कि वो आपके भेजा में है आपके पैर में नहीं है हाथ में नहीं है ठीक है तो बस एक बार वर्ड को पेराइटल ऑसिपाइटल फ्रंटल फेनोइड एथमोइड ये सब

मतलब क्रेनियम में ये वाला पार्ट नहीं है क्रेनियम आपको बस जो हमारा भेजा को बचाने वाला पार्ट है उसको कहते हैं इसीलिए इसको बोन्स कह रहे हैं और जो स्कल होगा वो पूरा हो जाएगा मतलब हम हमारे जो नेक के ऊपर वाला सामान है वो पूरा आपको स्कल हो गया ठीक है तो ये यहाँ पे आता है पूरा स्कल तो इसमें क्रेनियम भी हो गया और ये वाला भी पार्ट हो गया जैसे ये आपका चीक बोन होता है नहीं आएगा जयगोमैटिक ये सब लेकिन एक बार वर्ड को देख जरूर लेना ठीक है उसके बाद आपको कि कभी गलती से आ गया तो आपके पास दिमाग में कम से कम हो कि इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक है अब ये दूसरा था मैंने आपसे अभी थोड़ा देर पहले पूछा था आपसे सवाल कि आ, कहां पे बॉल एंड सॉकेट दूसरा होता है तो एक तो मैंने आपको ये बताया शोल्डर दूसरा आपको होता है पेल्विक वाला ठीक है इसमें आपको आएगा कौन सा आएगा फेम्यूर वाला जो बोन आता है फेम्यूर आके यहां पे फिट होगा फेम्यूर का कोई स्पेशल क्वालिटी होता है क्या बताओ अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो बताना क्योंकि फेम्यूर के तो बहुत क्वेश्चन आते रहता है अच्छा ये वाला बोन का भी आपको नाम कम से कम सीक्वेंस में पता होना चाहिए क्रेनियम में मैंने उतना एम्फेसाइज नहीं किया लेकिन इसमें जरूर बोल रहा हूँ कि ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि इलियम ईशियम एंड प्यूबिस ये कहां पे होता है ये सीक्वेंस नहीं आएगा आपको अरेंज करने के लिए वो उतना हाई लेवल पे नहीं आएगा लेकिन ये होता कहां पे है हाथ में होता है गले में होता है तलवे में होता है इतना तो पता होना चाहिए नहीं सर ये पेल्विक बोन में होता है तो ये आइडिया हमें यहां पे रहना चाहिए ठीक है ये तीन बोन का हम लोग को आइडिया होना चाहिए और ये ये क्या है वर्टेब्रे है क्या हां वर्टेब्रे है जिसका देखो कॉकेक्स और नीचे वाला पार्ट होता है सैक्रम ठीक है तो ये प्रॉपर फिगर से आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि यहां पे बातें क्या हो रही है ठीक है अब वही मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स है उसका एग्जाम्पल दे दिया हूं uh, वो अब आप लोग पढ़ लेना ये आपके लिए ठीक है फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर द स्केलेटल कॉम्पोन इन द फिश एंड सम आर्थ्रोपॉड्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड रिड्यूस वाटर रेजिस्टेंस अगेन मैं आप लोग को हिंट दूंगा सवाल ठीक से पढ़ना सवाल पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आपको ये भी बोल दे रहा हूं मैं हिंट कहां पे छुपा हुआ है कि आर्थरोपॉड और फिश दोनों को साथ में देखो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा स्केलेटन बैकबोन आउटर स्केलेटन काटिलिज पहले तो आप लोग का नाम ऐसा रहता है देसी बालक <laughs> मुझे वो वाला गाना याद आ गया देसी कलाकार uh, क्या uh, देसी बालक जी प्रॉब्लम uh, क्या है कि uh, आपको हिंदी में जो क्लासेस होता है बहुत लोगों को इंग्लिश में चाहिए होता है तो इसलिए दिक्कत हो जाता है लेकिन इंग्लिश कर्नाटका के बच्चे भी पढ़ लेते हैं केरला के भी बच्चे पढ़ लेते हैं आसाम के भी बच्चे पढ़ लेते हैं गुजरात के भी बच्चे पढ़ लेते हैं इसीलिए हम लोग ये करते हैं आ, निशा बहुत बढ़िया मोहिनी बहुत बढ़िया आ, आप लोग एकदम सही जा रहे हो अच्छा ये आप निशा और मोहिनी आप लोग को ये आंसर पता था कि आपने अपने स्मार्टनेस से इसको सॉल्व किया है ये जरूर बताना बिकॉज बहुत लोग को ये चीज नहीं पता होगा लेकिन अगर आप स्मार्टनेस से सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत सही है नवनीत तो नवजीत जी, जी नम सी, वो, आउटर स्केलेटन ठीक है इसको एग्जोस्केलेटन भी कहते हैं मैंने जान बुझ के एग्जोस्केटन वर्ड यूज नहीं किया था एग्जो स्केलेटन यूज करता वर्ड तो लोग थोड़ा हिंट पकड़ लेते ठीक है तो जो आप देखते हो ना बाहर आपको निकला रहता है ऐसे बहुत सारे जानवर में वो आपको एग्जो होता है ठीक है बेटिंग क्वीन नाम तो आप लोग का सही सही है हाँ अब ये ऑब्वियसली मुझे कुछ बताना नहीं है आ, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है एंड इसको मूवमेंट में हेल्प करता है तो ये सब जो नॉर्मल बातें हैं वो यहाँ पे हम लोग जानते ही हैं ठीक है थेके? अब ये देखिए ये हम लोग के लेवल पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आ, लेकिन कभी कभी आ जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए ऑक्टोपस मोल्यूस्क होता है कि कॉकरोच क्या होता है आर्थ्रोपोडा होता है कि क्या होता है या अर्थ वार्म क्या होता है आ, सब में फीचर क्या होता है तो मैंने क्या किया कि जो सारे जो आपको है उसके सबसे मेन मेन फीचर मैंने एज अ नोट्स आपको बना के दे दिया है ताकि जो वो मेन मेन फीचर हो कम से कम वो आपको पता रहे राधा देन पूरा आपको पता रहे ठीक है तो ये हम लोग पढ़ने नहीं जैसे मान लो ये बहुत लोग इसमें गलती करते हैं निमाटोटोडा में और इसमें फ्लैट वॉर्म देखो ये फ्लैट वॉर्म होता है जो दीवार पर जैसे चिपक चिपक कर चलेगा और ये देखो राउंड वॉर्म होता है दोनों वॉर्म ही है लेकिन आपको आ, न, न, एक है राउंड वॉर्म और एक है फ्लैट तो स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो वहां पे आपको वॉर्म देखोगे आप लोग एक दूसरे में मार दो तो ये डिस्टिंक्शन आपको पता रहना चाहिए फिर आपको इसमें देखो ये सेगमेंटेड वॉर्म है अनेलिडा और ये भी वॉम है लेकिन इसमें क्या आ गया ये लोग सेगमेंटेड नहीं था यहां पर अनसेगमेंटेड लिखा हुआ है तो ये आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और जो एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं कि ये आपको हमेशा याद आना चाहिए कि स्नेल क्या है फिर आपको स्क्विड क्या है ऑक्टोपस क्या है तो ये आपको मॉलिश है ठीक है तो ये जरूर एग्जाम्पल जरूर याद रखना मैच द फॉलोइंग में यही आता है कि का क्या है फिर आपको राउंड वॉर्म दे देगा दे फिर अर्थ वार्म दे देगा दे और फिर इवेंचुअली आपको इसको मैच करना पड़ेगा इंडियन आर्मी मैंने शुरू में दिखाया था फिर भी आप पी लाइव ये मेरा टेलीग्राम आईडी है उसको आप नोट कर सकते हो तो ऐसे मैं बीच बीच में कभी दिखाते रहूंगा तो आप बने रहो ठीक है और ये आर्थ्रोपोडा होता है ये इसका क्या है लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स एनिमल सबसे ज्यादा एनिमल आपको यहीं पे मिलता है ठीक है लार्जेस्ट एंड द ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में सबसे ज्यादा एनिमल पाया जाता है ठीक है तो वो अपना आर्थ्रोपोडा होगा ये याद रखिएगा ये एक आ, सीधा फैक्ट है जो कि कहीं कहीं पर बुक में मिलता है तो ये मैंने आपके लिए निकाल के दे दिया है अदरवाइज ये खोजते रहोगे मिलेगा नहीं ठीक है हम लोग हम लोग किसम आते हैं हम लोग कॉर डाटा में आते हैं इसका क्या क्वालिटी है इसमें वर्टेब्रेट्स होता है ठीक है इसमें एनिमल्स भी आ जाएगा बर्ड्स भी आ जाएगा रेप्टाइल्स भी आ जाएगा तो ये सब कुछ आता है ठीक है बस ये आपको देख लेना है इसको रटना कुछ भी नहीं है इतना टफ एग्जामिनेशन में नहीं आता है लेकिन हां बेसिक जो होता नहीं हर एक इंफॉर्मेशन का एक सुपरलेटिव इंफॉर्मेशन होता है कि ये बेस्ट हाइएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट वो वाला चीज वो चीज इसमें जरूर कर लेना है ठीक है ये मैंने आपको ये कैसे हमारा ये चलता है वो इसके लिए आपको दे दिया है कि सबसे पहले किंगडम होता है फिर फाइलम होता है फिर क्लास होता है फिर ऑर्डर होता है फिर फैमिली होता है फिर जेनस होता है फिर स्पीसीज होता है ठीक है तो ये ये जब मैं पढ़ाऊँगा इसका जब क्लास करूंगा तो इसमें इसका ट्रिक भी दूंगा अभी मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये फिर एक नया सेक्शन ही चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एमसीक्यू को खत्म करना लेकिन फिर भी यहां पे दे दिया और इसमें हमने सबको याद करना होता है क्या नहीं जैसे आपको ह्यूमन का तो याद करना ही चाहिए हंड्रेड परसेंट फिर शायद कैट का याद कर लो डॉग का याद कर लो टाइगर का याद कर लो चार पांच आपको याद करके रखना चाहिए जो कि कभी भी आ सकता है ठीक है अब आ रहा है वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पेटियोल इन अ लीफ द पेटियोल एंकर्स द लीफ टू द स्टेम अच्छा ये सब वर्ड पे आप लोग ध्यान देना ठीक है ना मेन प्राइमरीली इस टाइप से जो भी वर्ड आते रहते हैं ठीक है द पेट्योल एंकर्स द लीव टू द स्टेम द पेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस द पेट्योल ट्रांसपोर्ट वॉटर एंड न्यूट्रिय द पेटल प्रोवाइड्स फूड स्टोरेज साइट बताओ अगर बॉटनी वाला पार्ट पढ़ा आपने आ, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है मतलब ये सीधे बन जाएगा अगर थोड़ा सा भी आपको याद है पत्ता अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए हेल्प के लिए, ले दे रहा हूँ कि जो पीपल का पत्ता होता है उसका डंडी प्रोवाइड्स नहीं नीलिमा ये सोच के देखो आ, न, आ, 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 आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि जैसे आपने बोल दिया फूड स्टोरेज साइट है अगर वो तो फिर स्टार्च हम लोग को पत्ते के ऊपर क्यों मिलता है और स्टार्च क्या होता है वो इवेंचुअली फूड को स्टोर करने के लिए होता है अहमद मीर दिटे एग्जैक्टली exactly, आप सही हो प्रेन आ, क्या प्रेरणा प्रेरणा आप भी सही हो आ, नहीं मोहिनी पाटिल जी आप गलत जा रही है एग्जैक्टली exactly, देखो आप मोहिनी पाटिल आप एग्जैक्टली exactly गलत नहीं हो लेकिन इसीलिए मैंने इसको देखो पीला करके लाया हुआ हूं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सोच के देखो ये भी बिकॉज ऑब्वियसली आपको जो वैस्कुलर बंडल है उसके थ्रू होते हुए जाता है तो उसको अगर आप अकाउंट करोगे तो ये भी पार्शियली उसका एक फंक्शन हो जाएगा लेकिन जो उसका प्राइमरी फंक्शन है वो ये है आंसर होगा आ, गाजिया जी आपने आ, क्या लिखा था मैंने देखा नहीं नहीं केवी सिंह जी आ, सी जैसे मैंने अभी आपने भी सी लिखा है आ, जैसे कि मैंने समझाया अभी मोहिनी जी को भी एग्जैक्टली कि सी गलत आंसर नहीं है और इसीलिए मैं आपको मेन लिख के आया हूं ठीक है कि जो वैस्कुलर uh, बंडल होता है वो उसके थ्रू होते हुए जाता है डेफिनेटली वो भी उसका एक फंक्शन हो जाएगा लेकिन क्या वो उसका प्राइमरी फंक्शन होगा नहीं डेफिनेटली नॉट आपको आपको उसका प्राइमरी फंक्शन होगा द द द एंकर्स लीफ टू ये एंकर जो सपोर्ट होता है वो करता है ठीक है तो ये वाला फंक्शन इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया जैसे फोटो देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे देखो आ, जैसे ये होता है आपको आ, ये होता है पूरा लिवर आ, लिवर बोल रहा हूँ लीव मार्जिन इसे मार्जिन कहते हैं ठीक है थीके? और ये सब देखो जो अंदर आपको नस के टाइप का दिख रहा है इसको हम लोग वेन्स कहते हैं ठीक है ठेके? ये क्यों होता है वेंस पहले तो पत्ते को सपोर्ट भी देता है मान लो ये नहीं रहता तो ये पत्ता यहाँ पे ऐसे चुनमुड़ा जाता ठीक है फिर आपको ये मिड रिप ये अगेन वही चे यहां से आपको जो जायम और फ्लोएम होता है ये होते हुए जाता है और फिर सब में बटता है ठीक है तो इसीलिए मैंने बोला कि सी गलत नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेन वर्ड दिया हुआ था ना उसके हिसाब से क्या होता है? कि जो होता है देखो, कहां पे? ये वाला चीज़ है कि तो तो जो देखो पे पूछने वाला था वो क्वेश्चन आगे आए कहीं, कि लैमिना का फंक्शन मेन क्या होता है लैमिना अगर आप लोग को पता होगा तो आइडिया लग जाएगा कि आ, आ, इसमें मैं कौन सा पूछ रहा हूं तो इन विच टाइप वेनेशन ये बहुत

जब आपको वेनेशन जो हो ये पैरेलल हो या फिर रेटिकुलेट हो ये इस टाइप से जो रेटिकुलेट वाला क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस रहता है और या क्लाइंबर्स या मिड्रिप आंसर इसमें क्या होगा क्वेश्चन बेसिकली है कि आपको डायकॉट लीवस में पैरेलल मिलता है कि ये रेटिकुलेट मिलता है एग्जैक्टली exactly एक तो सही आंसर मिल चुका है किसका आंसर मिला अभी सही है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि और लोग उसका चीटिंग कर लेंगे बताओ ये इतना भी इजी नहीं है क्वेश्चन लेकिन एनसीआरटी के समरी में दिया हुआ था इसीलिए मैं बोलता हूं कि वो समरी को आप लोग हमेशा पढ़ा करो हाँ गाजिया आप भी सही हो निशा जैन थोड़ा गड़बड़ हो गया है मिड्रीप देखिए आप आप जो हम लोग का क्वेश्चन था वेनेशन वर्ड था ठीक है वेनेशन जैसे हम लोग बोलते हैं मतलब हमारा अंडरस्टैंडिंग ही है कि हम इन सब पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं राधा दहन इसके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो वेनेशन जैसे हमें मिला ना हमें आंसर सोचना ही चाहिए था कि ये वाला होगा या आपको मतलब इसमें सही ऑप्शन बस आपको दो हो सकता था या तो ये या तो ये दोनों तो एकदम फालतू के ऑप्शन है ये तो बस ऐसे ही आदमी को थोड़ा बेवकूफ बनाने के लिए डाला गया है आप कंफ्यूज हो सकते थे बस इसमें कि हाँ रेटिकुलेट होगा कि पैरल होगा तो आंसर यहाँ पे रेटिकुलेट होगा ठीक है तो डायकॉट में आपको क्या होता है क्रॉस वाला वेनेशन होता है ये याद रखना में आपको डायकोट में क्या होता है आपको दो लीफ निकलता है वो हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या होता है क्योंकि अभी सब कुछ बता दूंगा तो फिर आगे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे तो आंसर इसका है रेटिकुलेट वेनेशन हाँ वही जो भी है आपको इसमें मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया है और रेडिकुलर डिविनेशन जैसा कि आपको पता है कि पत्ते को सपोर्ट करने में हेल्प करता है जो मिनरल्स और वाटर आ रहा है आपको जाइलम के थ्रू उसको हर जगह पत्ते में बिखेरना है क्यों बिखेरना है भाई क्योंकि हर पत्ते में हर जगह पे स्टोमाटा है अब स्टोमाटा ही तो आपको क्या करता है कि आ, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है तो अंदर लेता है तो इससे इसका क्या रिलेशन है अब यही तो पानी पहुँचा रहा है तो फिर फोटोसिंथेसिस होता है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया पानी आ गया सनलाइट आ गया एंड देन खाना पक गया तो ऐसा ही बनता है ना इसीलिए आपको ये जो वेन्स है पूरे लीफ में फैला हुआ है ताकि पानी हर जगह पहुंचा दे पानी जब हर जगह पहुंचा देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां ले ही लेगा और फिर सनलाइट तो मिल ही रहा है तो खाना इसका हर जगह चौलाई एरिया में बन गया ठीक है तो ये इसका मेन पर्पस है ठीक है एंड डेफिनेटली द सेकेंड पर्पस इज कि ये लीफ को सपोर्ट भी देता है जैसे आपको एक स्ट्रक्चर होता है ना जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो देखना पुआल वाला वाल जो पुराना घर होता था गाँव में खासकर कि आपको बांस का बल्ली आपको ऐसे ऐसे करके उसके नीचे रखा रहता था, था। क्यों क्योंकि उसको सपोर्ट देना होता था तो वैसे ही आपको ये समझिए वेन्स उसको लीफ को सपोर्ट भी दे रहा है ठीक है तो चलो हम लोग अब आगे करते हैं क्या कैसे अब चलो थैंक्स आ, क्या नाम था आपका आ, केवी सिंह फिर आते हैं पैरल वेनेशन हो गया आ, ये वही क्वेश्चन है क्या ना ये दूसरा क्वेश्चन है ये उसी का अब आपको मैंने आपको बोला कि ये रेटिकुलेट हो गया ये देखो पैरेलल है पैरेलल किसके है किसके रिब के ये पैरेलल जैसे हम ये भी तो बोल सकते थे कि ऐसे 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 ऐसे, 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 ऐसे पैरेलल है नहीं ये मिड रिब के पैरेलल है तो इसीलिए पैरेलल तो आपको ये मैंने बस पिक्चर इसलिए रखा हुआ है कि आपको अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन किया है उसका प्रॉपर रिवीजन हो जाए पेटियोल देखो कहाँ पे होता है यहाँ पे होता है इसीलिए एंकर के लिए होता है अब क्या जैसे मैंने बोला था कि सी गलत आंसर नहीं है लेकिन वो मेन फंक्शन नहीं है क्या ये मिड्रिप से होते हुए जायलेम या पानी वानी जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा एकदम जा रहा होगा इसीलिए वो गलत नहीं है लेकिन क्या इसका ये मेन फंक्शन है नहीं अगर पेटियोल नहीं रहेगा तो ये लीफ इससे जुड़ा ही नहीं रहेगा इसीलिए वो उसका मेन फंक्शन है ठीक है

पढ़ सकते हो रिविजन कर सकते हो बिकॉज कोई भी टॉपिक हो जब वहीं पर सोल्यूशन मिल जाता है तो आप आराम से समझ जाते हो कि आपको क्या बात करना है फिर आ रहा है विच न्यूट्रिएंट्स प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड क्वेश्चनिंग वाइटल ऑर्गन्स। ये देखो ये इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो आराम से बनेगा अगर नहीं सोचोगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा बताओ जनता बताओ विच न्यूट्रिय प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर कुछनिंग वाइटल ऑर्गन जो हम लोग बोल रहे रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर उसके लिए एक वर्ड होता है वो आपको याद है वो वर्ड अगर आपको याद रहेगा तो आप लोग उससे हिंट से आराम से आगे, आगे आंसर पकड़ सकते हो कंबल हम लोग क्यों उड़ते ठंडा में आ, देव जी गलत है गलत है थोड़ा सोचिए यूजर वर्मा चलो दो तो आंसर सही आया नीलिमा आप सही हैं यूजर वर्मा जी सही हैं अच्छा यूजर वर्मा नीलिमा आप लोग ने ये आंसर पता था सोच के मारा है या बस ऐसे ही फ्लूक मारा और लग गया बिकॉज देखो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर फ्लूक भी हमारा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ जब हम लोग रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं इंसुलेशन बोलना चाह रहे हैं इंसुलेशन में वही तो होता है हम लोग जैसे कंबल क्यों ओढ़ते हैं हम लोग जब कंबल उड़ते हैं ठंडा में तो बाहर का टेम्परेचर आपको एकदम ठंडा ठंडा रहता है और जो कंबल होता है नहीं केवी सिंह जी गलत है आपको जो कंबल होता है वो क्या कर लेता है हम लोग को उस बाहर के एटमॉस्फेयर से इंसुलेट इन, कर लेता है ठीक है और जब इंसुलेट कर लेता है वही चीज तो फैट भी करता है हमारे स्किन के अंडर लेयर में आपको कंबल की तरह हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है ठीक है और इसी कारण से क्या होता है कि वो बाहर के आपको ठंडे मतलब अंदर के गर्मी को लूज करने में अब मान लो हमारा जब ठंडा आ रहा है बाहर का टेम्परेचर है पांच डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है सैंतीस डिग्री सेल्सियस ठीक है तो ऑब्वियसली हीट का रूल क्या है वो गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो करता है अब अगर अपने ऊपर फैट नहीं रहेगा तो वो तुरंत ही फ्लो कर जाएगा और जब फैट रहता है तो वो कंबल की तरह हम लोग ओढ़े हुए हैं नेचुरली तो अब जब नेचुरली ओढ़े हुए हैं तो हमारा हीट को लूज करने नहीं देता है जब हीट को लूज नहीं करने लगता तो हमारे एनर्जी को कंजर्व कर लिया इंसुलेट कर लिया ठीक है तो इसीलिए अपना आंसर फैट था एंड क्वेश्चनिंग क्यों क्योंकि आपको जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लिवर हो गया हार्ट हो गया स्टमक uh, हो गया जो भी वाइटल ऑर्गन्स है लंग्स हो गया सबको प्रोटेक्ट करने में भी कि जैसे हम दौड़ रहे हैं जर्क लग रहे हैं एक्सीडेंट हुआ तो हमें अचानक से झटका लगता है अब ये मोटा चादर टाइप का चीज है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ठीक है तो इसलिए आंसर अपना फैट होगा अच्छा फैट से दो तीन क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है और फिर अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है तो इसके लिए तो मुझे थोड़ा कलम उठाना पड़ेगा एक सेकंड रुक जाओ यार कलम कहाँ गायब हो गया शिट शिट आप लोग मुझे दो सेकंड का काम दो यार कलम नहीं है बस दो सेकंड में मैं आता हूं सॉरी पीपल हाँ यहाँ पे जो पहले टीचर थे वो मार्कर यहाँ से ले गए थे तो इसीलिए मुझे भी ध्यान में नहीं रहा चलो ही नहीं भाई हाँ तो हम लोग क्या रहे थे हम किस बात को मैं समझाना चाह हा मोनोसा फैट हाँ। में आपको जैसे पॉली सैचुरेटेड और आपको अनसेचूरेटेड अन अन्साचु। सैचू यहाँ डायग्राम है इसको समझ लेना अनसेचुरेटेड तो ये अनसे और सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है ये क्या चीज जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हाय तपस आ, तो अगर हम लोग ये बोले कि सैचुरेट तो जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं चाशनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसका मतलब क्या होता है कि वाटर में अब चीनी और ज्यादा नहीं जा सकता है. यही होता है ना मतलब तो मतलब अगर हम लोग पैट में अगर सैचुरेटेड बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज होगा जो इतना भर चुका होगा उसमें कि उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता है आइडिया यही है तो आप देखो अगर मान लो कार्बन कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड है वो डबल हो या ट्रिपल हो तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें अच्छा मल्टीपल बॉन्ड जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड है एक एच एक एच हो जाएगा ठीक है अब अगर हम ये बोले कि इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ दे तो इसमें हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये पॉसिबल है क्या हाँ पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है देखते हैं अभी आपको क्या होता है आपको सी डबल बॉन्ड कर दिया फिर अब दो एच कर दिया पहले एक एच था ठीक है अब दो अब क्या पॉसिबल है इसमें और बी एच डालने का हाँ पॉसिबल है अभी भी कैसे देखते हैं आपको एक कर दिया तीन हाइड्रोजन हो गया पर साइड इधर भी, इधर भी लो अब क्या इसमें और भी हाइड्रोजन डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते हैं तो मतलब कि कार्बन जो केमिकल कंपाउंड अपना ये हाइड्रोजन से सैचुरेट हो गया यही कॉन्सेप्ट है आपको सैचुरेटेड फैट का कि जब ऐसे मॉलिक्यूल में जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो ठीक है और जब सिंगल बॉन्ड होता है मतलब क्या हुआ कि उसमें हाइड्रोजन सैचुरेटेड तो उसको हम लोग सैचुरेटेड फैट कहते हैं ठीक है थीके? और जब आपको अनसेचुरेटेड बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि वो मल्टीपल बॉन्ड रहेगा ठीक है थीके? कि अभी इसमें हाइड्रोजन जा सकता है इसीलिए अनसेड है तो ये आप लोग को आइडिया याद रखना चाहिए क्वेश्चन आता है इसको लेके कि सैचुरेटेड फैट क्या होता है और अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है फिर ये कभी कभी आता है कि मोनो क्या है पॉली क्या है ठीक है तो मोनो क्या होगा कि मान लो ऐसा बहुत सारा कार्बन और है। इधर भी कार्बन है इधर पचास को ऐसा कार्बन है उसमें बस एक डबल रहेगा तो इसको कहेंगे हम लोग मोनो क्योंकि मोनो एक होता है अनसेचुरेटेड अन ठीक है ये मोनो हो गया अब पॉली क्या होगा ऑब्वियसली आप गैस कर सकते हो कि आपको एक डबल बॉन्ड फिर फिर आपको डबल बॉन्ड जो भी अभी वैलेंसी पे मत जाना मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूं तो मतलब उसके पास डबल बॉन्ड बहुत सारे हो जाएंगे तो इसको हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड बोलेंगे पॉली सैचुरेटेड क्यों नहीं बोल रहे क्योंकि ऑब्वियसली सर जब अगर डबल बॉन्ड आप बोल रहे हो तो उसको अनसैचुरेटेड कैसे असैचुरेटेड uh, कैसे बोल सकते हो ये तो अनसैचुरेटेड ही होगा ना तो आप समझिए ना कैसे सैचुरेटेड हो रहा है कैसे अनसैचुरेटेड हो रहा है कैसे मोनो अनसैचुरेटेड हो रहा है पॉलीअनसेचुरेटेड हो रहा है तो इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं तो ये हमारा आपका सारा क्लियर होना चाहिए ठीक है तो ये फैट्स है एंड वही आपको मैंने फैट्स के जो कॉमन काम होते हैं फैट बहुत हमारे काम का बॉडी एलिमेंट होता है पह हमें लगता है बस वो हमें गर्मी देता है नहीं आपको वाइटमिन बहुत सारे किस में डिजोल्व करते हैं जैसे वो आपको ट्रिक मैंने पिछले बार दिया था आ, आप लोगों को बहुत खुद को भी होगा जो नए उनको बता दो कीड़ा ठीक है इसका मैंने आपको क्या बोला था ठीक है कि जैसे रेशम का कीड़ा होता है वो क्या करता है कि शुरू में एकदम छोटा मोटा रहता है और खा खा के मोटा हो जाता है यही होता है ना रेशम रेशम का तो तो वही तो है कि फैट रेशम का कीड़ा खा खा के मोटा हो जाता है तो फैट सोल्यूबल वाइटमिन कौन कौन हो गया आ, वो विटामिन के विटामिन ई विटामिन डी वाइटामिन ए वाईटमिन तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन कौन कौन होता है और जो बचा आपको वो वाटर सॉल्युबल हो गया कौन बचा बी और सी बचा तो इस तरीके से वो आपका हमेशा याद रह सकता है आपको बहुत इजीली तरीके से ठीक है ये जैसे एक तो एनर्जी वाला हो गया वाइटमिन सोलिबल हो गया फिर क्या हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चीज भी है जो फैट से बनते हैं हाँ एकदम बनते हैं पहले तो ये प्रोटेक्शन हो गया एसेंशियल फैटी एसिड तो आपको ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स हमने सुना हुआ है ठीक है मेन आपको आता है ये कीड़ा हो गया मेन ये वाला बोल रहा हूँ कि इंजाइम्स हो गया इम्यून फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया हॉर्मोन्स हो गया सब में फैट का, का काम होता है ठीक है तो इसीलिए फैट काफी इंपॉर्टेंट आपको न्यूट्रिएंट्स होता है ठीक है और ऑब्वियसली जो ऑप्शन में और भी दिए हुए थे कि मिनरल क्या है प्रोटीन क्या है उसके भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि आपको हेल्प मिले कि मिनरल के ऑल दो हमारा पहला क्वेश्चन ही आज मिनरल पे था तो ऐसा नहीं कि उसमें दिक्कत आने वाला ये को का मैंने डेफिनेशन इसलिए दे दिया कि आप जब ये पढ़ोगे ब्लड क्लॉटिंग में तो उसमें आपको को का काम आता है तो कम से कम जान लेना कि को होता क्या है अदरवाइज इसको याद नहीं करना ठीक है थीके? चलो ये वाला सवाल बनाओ स्टार्च इज अ कॉम्पलेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड्स लाइक राइस ब्रेड एंड पोटैटोज वॉट इज इट्स ये याद रखना मेन फंक्शन इन द डाइट प्रोवाइडिंग एनर्जी बिल्डिंग मसल्स मास रेगुलेटिंग ब्लड शुगर प्रोवाइडिंग डाइटरी फाइबर्स बनाओ तब तक मैं एक घूट पानी पी लू कोई बात नहीं गोल एकदम सही अहमद मीर जी और नीलिमा परिदा सही सही तपस सही यार ये तो क्वेश्चन सभी लोगों को पता है था। मुझे नहीं लगता कि इतना भी इजी है लेकिन पर पता सब लोग सही मार रहे हैं मतलब चलो ठीक है क्यों अच्छा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट में क्या अंतर ये आप लोग को आइडिया है कार्बोहाइड्रेट आप एग्जैक्टली ठीक है तो आपको जब हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फिर आपको लिपिड्स ये सब क्या होता है ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल मौल, है तो मैक्रो जब हम लोग बोल रहे हैं तो कुछ माइक्रो भी होगा तो माइक्रो मतलब क्या हुआ वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो गया ग्लूकोज हो गया अब वही जब ग्लूकोज अपने में जैसे होता है ना एक चेन बनाए कि हम दोनों दोस्त मिले के बाजार रहो चले जहां वहां जो भी कहानी था बचपन में तो वही आपको जब एक साथ कंबाइन करने लगता है तो वो हो जाता है मैक्रो मोलिक्यूल तो ग्लूकोज जब कंबाइन करता है तो क्या बनता है वो आपको अलग अलग चीज बनता है जैसे आपको ग्लाइकोजन बनेगा आपको एनिमल में प्लांट में स्टार्च बनेगा फिर आप, ये बेसिकली माइक्रो मोलिक्यूल हो गया ठीक है तो स्टार्च इसीलिए ग्लूकोज का कंपाइलेशन है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है सर सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अब आप हमको बताइए कि जब हम ये बोल रहे हैं स्टार्च में छुपा हुआ एक चीज है ग्लूकोज सेल्स के अंदर सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं आप समझ रहे हो ना हाँ तो वो किसका होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ओटू होता है ना ये आपको एनर्जी रिलीज करता है ठीक है तो इवेंचुअली जब सेल्स में इसको ही रिलीज करना है एनर्जी और जब हम स्टार्च का डेफिनेशन हम लोग ठीक है, है uh, multiple, multiple लो? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टार्च से हमको एनर्जी निकालना है ऑक्सीजन के थ्रू सेल्स के अंदर तो पहले स्टार्च को हमको ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा और फिर ग्लूकोज से हम एनर्जी निकालेंगे इसीलिए इसको हम लोग जो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ये क्या करता है एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में काम आता है ये एनर्जी रिलीजिंग के फॉर्म में काम आता है तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि कल को आपको इस वर्ड को लेकर अगर क्वेश्चन में घेरे तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं और ग्लूकोज को सिंपल क्यों बोल रहे हैं फिर आपको ये भी आइडिया रहना चाहिए कि आपको ये स्टोरेज के फॉर्म क्यों आ रहा है क्योंकि हमने ग्लूकोज को जमा कर करके हम लोग इवेंचुअली क्या करते हैं बाजार में हमको सुधा देरी से जाकर दूध खरीदना है तो दिए तीस रुपया और सुधा दूध लेके आ गए लेकिन हम बैंक में क्या कर रहे हैं बैंक में वही बीस रुपया तो जोड़ जोड़ के वहां पे दो करोड़ रुपया जमा करके रखे हुए हैं तो वो अपना बैंक वाला जितना माल मटेरियल है वो स्टार्च हो गया ग्लाइकोजेन हो गया और जो हम डेली इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो गया ग्लूकोज हो गया तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना इसको कैसे भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन uh, में ना तोड़ मतोड़ के आपको इस्तेमाल कर सकता है ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन हमेशा नहीं आने वाला है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो वो हमारे हमेशा कमांड में रहेगा कि क्या हम आगे बढ़े ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है फिर मनु नहीं सी गलत आंसर है सी आपने क्या बोला था रेगुलेटिंग ब्लड शुगर नहीं मनु ये गलत आंसर है ठीक है ये प्रो मतलब आ, इसका प्राइमरीली आंसर तो इंसुलिन होगा जो कि हार्मोन होता है आ, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसका आंसर रफेज भी बोल सकते हो लेकिन वो इनडायरेक्टली काम करता है लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है आ, वो से अच्छा बहुत लोग आ, अच्छा आपने एक, मुझे हिंट दे दिया स्टार्च और डाइट्री फाइबर सेम चीज है क्या बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं क्योंकि स्टार्च भी प्लांट में मिलता है और डायट्री फाइबर भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिलता है तो दोनों को आदमी सेम समझ लेते हैं तो ये दोनों सेम चीज नहीं है याद रखिएगा ठीक है स्टार्च आपको कार्बोहाइड्रेट है एंड आपको डाइट्री फाइबर्स रफेज है जो कि डिफरेंट चीज है आ, कब सौरभ स्टार, जी स्टार्ट हो चुका है आप जाके देखिए हमने उसका क्लास सिक्स uh, तक चैप्टर uh, सिक्स तक ऑलरेडी खत्म भी कर लिया तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखिएगा ठीक है अच्छा ये बोल रहे हो कि एम सी क्यू बोल रहे हो क्या आप लोग सर क्लास सेवन का एन कब स्टार्ट करेंगे एन टी स्टार्ट हो गया एम सी क्यू जब ये खत्म हो जाएगा तो वो आएगा फिर ठीक है तो आई होप ये भी आपको जो लास्ट में बताया इस पर भी आप लोग ध्यान देना बहुत लोग गलती कर जाते हैं इसमें कि आ, स्टार्च को और डाइट्री फाइबर को सेम समझ जाते हैं ठीक है थीके? तो इस बात में आप लोग को गलती नहीं करना है कि जस्ट बिकॉज ये भी आपको फल सब्जी में मिलता है और वो आपको फल सब्जी का खाना बचाने का तरीका है तो दोनों एक चीज नहीं है ठीक है ये बहुत लोग गड़बड़ कर जाता है अगेन वही आपको अच्छा ये भी ये अच्छा मुझे फॉर्मूला दिख गया तो एक चीज आ गया कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं इसको सो so, कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन का हाइड्रेट होता है ये वाटर हुआ ना और ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला यही होता है ठीक है तो इसीलिए कार्बन का दैट इज कार बो कार्बन कार्बन का का से कार्बो बना दिया हमने और वाटर हाइड्रेट इसीलिए कार्बोहाइड्रेट तो जनरल फॉर्मूला इसका यही होता है सी एन एच टू ओ डबल एन मतलब यहां पे एन लगा दिए तो इसीलिए कार्बन का हाइड्रेट हो गया ये ठीक है तो ये भी जान लेना कब क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ जाए ठीक है एक्जैक्टली exactly तपस तो आ, अच्छा ये हाँ ये भी अच्छा ये ये भी क्वेश्चन आता है अब डाइसेराइड और पॉलिसाइड में क्या अंतर है तो डाइसेराइड होता है जब आपको जब मोनोसेकेराइड आपको पहले तो मोनोसेकराइड क्या क्या है आपको इस तो आपको तीन है यहां पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज ठीक है ये हमें याद रखना पड़ेगा और ये अंतर कैसे में अंतर है, वो उतना अंदर हम लोग पीएससी है गैलेक्टोज हो गया ठीक है अब आता है डाई कैसे याद करें बिकॉज ये क्वेश्चन आता है और यहां पे एटलीस्ट मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था आ, आप लोग को होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता लेकिन बहुत लोग होता होगा ठीक है अब ये देखो मैं कैसे याद किया था अब ये ट्रिक आपको अच्छा लगे तो नोट कर लेना बकवास लगे तो इसको इग्नोर कर देना ठीक है एक चीज देखो कि सारे में ग्लूकोज है सुक्रोज में ग्लूकोज है मैल्टोज में ग्लूकोज है और अपना लैक्टोज में ग्लूकोज है तो एक तो हो गया क्लियर कि तीनों में ग्लूकोज रहेगा ठीक है अब आता है कि दूसरा वाला सबका कैसे याद करें तो मैंने कैसे याद किया था तो ये मैल्टोज है तो इसको मैं ऐसे बोलता था माला माल माला माल मतलब क्या होता है कि पैसा आपके पास खूब हो जाए मतलब कि सौ रुपया है तो एक और सौ रुपया फिर एक और सौ रुपया एक और सौ रुपया एक और सौ रुपया मतलब आप पैसा वाला होते तो जा रहे हैं मतलब कि एक चीज रिपीट हो रहा है इसीलिए ग्लूकोज और ग्लूकोज क्योंकि ग्लूकोज तो रहना ही रहना है आप माला माल कैसे होइएगा आप माला माल कहां से ला रहे हैं ये समझ रहे हैं ना आप तो यही चीज आपके पास और भी आ जाए इसीलिए मैंने सौ 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 सो सौ किया था ये मेरा ट्रिक था ठीक है और दूसरा क्या होता है कि कहा गया लैक्टोज लैक्टोज को मैंने कैसे याद किया था लैक्टोज आपका कहाँ से आता है कि आपको दही में लैक्टिक है फिर आपको मतलब कि वो उजला कलर का इतना हम लोग को पता है अपने कॉमन सेंस है और आपना जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है मिल्की वे ठीक है मिल्की आ गया वर्ड ठीक है इसीलिए मतलब आपको गैलेक्ट मैंने क्या बोला? गैलेक्सी, तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया था कि मुझे एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन ना हो लेकिन आपको अगर लगता है कि ये और कंफ्यूज कर देगा आपको तो आप छोड़ सकते हो लेकिन मुझे ये इजी लगा था कि हाँ जब दो याद हो गया तो बस एक बचता है और वो आराम से मुझे याद रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और बहुत मतलब सैड बात और बहुत दुख होता है ना कि ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जामिनेशन में क्योंकि ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन में से एक होता है और वो हमारा अगर गलत हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा मतलब अफसोस आता है इस बात का ठीक है तो ये तीन ट्रेक आपको याद रखना अगर काम आए मिल्की वे एग्जैक्टली मिल्क से आपको क्या आ जाएगा तो मिल्की वे क्या है अपना गैलेक्सी है तो गैलेक्सी से गैलेक्ट टाइप का सेम गैलेक्टिक होता ना गैलेक्टिक ये वो तो वहां से हमारा ये वर्ड पिक कर सकते हैं हम लोग ठीक है एनीवे anyway, तो डाइसैकेराइड हो गया मोनोसैकेराइड हो गया एंड देन ऑब्वियसली पॉलीसेकेराइड तो हमने ग्लाइकोजन देखा आ, आ, वो फिर आपको स्टार्च देखा और सेल्यूलोज देखा और ये जनरली कम आता है लेकिन ये कभी कभी आ जाता है जो एग्जोस्केलेटन हमने देखा था वो आपको क्या होता है उसको कहते हैं चिटिन ये भी आपको आ, क्या होता है पॉलिसेकरइड होता है लेकिन ये तीनों तो आपको पता ही होना चाहिए कि ग्लाइकोजेन स्टार्च ये दोनों स्टोरेज हो गया और सेल्यूलोज क्या होता है उसका आ, प्लांट का आ, आउटर लेयर होता है ठीक है सेल्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब ले उसको समझेंगे कि सेल्यूलोज क्या होता है क्या नहीं होता है ठीक है आप डायट्री फाइबर ये, ये आपको मैंने इसलिए दिया था जो आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन बोला था तो मैंने वही बोला था कि कार्बोहाइड्रेट एंड डायट्री फाइबर टू डिफरेंट थिंग तो कैसे डिफरेंट होता है इट्स अ नॉट सोर्स ऑफ कैलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जब मैं एनसीआरटी पढ़ा रहा था तो उसमें भी इस बात को बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया था कि ये बात ध्यान में रखिएगा कि रफेद से आपको कैलरी नहीं मिलता है जैसे आप जब खाते हो आ, क्या नाम है प्रोटीन या क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट तो आपको चार कैलरी मिलता है ऑन एन एवरेज और फैट खाते हो तो नौ मिलता है रफेज खाते हो तो कितना मिलता है ठीक है तो ये आपको याद रखना है कहां मिलता है प्लांट बेस्ड फूड में मिलता है वहां पे लिख दिया कि एनिमल में मिलता है तो वो गलत होगा तो ये हम लोग को ध्यान रखना है करता क्या है ये तो बल्क प्रोवाइड करता है बल्क का मतलब क्या हुआ कि पेट में समझिए आपका कुछ डाल दिया कि जो भी काम का चीज है उसको आराम से इंटेस्टाइन के थ्रू पास करवाते जाए ताकि वो एब्जॉर्ब भी होते जाए एंड इवेंचुअली लास्ट में निकल जाए तो इसका काम बस ये है कि आपको जैसे होता है ना कोई पाइप फंस जाता है तो हम लोग कोई केमिकल डालते हैं तो वो केमिकल ना पाइप में जाने वाला पदार्थ है मतलब वो पानी तो है नहीं और ना वो कोई ऐसा चीज है जो उस पानी में जा रहा था लेकिन उस पाइप को साफ कर देता है तो वही अपना डाइटरी फाइबर होता है इसीलिए लोग बोलते हैं हमेशा कि खाने में फाइबर लिया करो ताकि आपका इंटेस्टाइन का डाइजेशन अच्छा रहेगा क्यों क्योंकि वो चीज़ों का मूवमेंट को ना बहुत अच्छे से करवाता है ठीक है तो ये याद रखना है अब आता है वॉट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स अलाउ रोटेशनल मूवमेंट लाइक द नेक्स एबिलिटी टू टर्न द हेड अब देखो हमने जो पहला वाला किया था वो किया था हमने क्या स्कल किया था अपने वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था और यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं वर्ड हेड ठीक है ये और मतलब ये पूरा अलग अलग चीज़ हो गया ठीक है वहाँ पे क्रेनियम और स्कल का जो मैंने डिफरेंस बताया था वो भी आप लोगों को हमेशा याद रखना है नहीं तो उसमें भी बहुत लोग सेम समझ के आ जाते हैं और वो उनका गलती हो जाता है तो बताओ भाई क्या होगा इसका फिक्स होगा हिंज होगा पिविटल होगा या बॉल एंड सॉकेट होगा समझते हो ना आ, बॉल एंड नहीं नहीं देव चलो मैं ये सी आप तो एकदम सीरियसली आग लगा के रखे हुए यार सही है आपका चलिए यार आप देख के सब लोग मत मार देना मैं अब ये भी काम करूंगा जो आदमी सही बोलेगा ना मैं उसके भी आंसर को गलत बोल दूंगा ताकि सब अपना अपना इंडिविजुअल आंसर दे नहीं तो सब क्या होगा कि सब एक दूसरे का देख के मार देंगे अब देखो सबका सी आने लगा गोल पिवट अहमद मीर भी सी हाँ पेवेट इसका आंसर होगा देखो पिवट में हम लोग का बेसिक नहीं आ, तपस जी गलत है आपका आ, मार्टन पिवटल सही है आ, तपस अपना बॉल एंड सॉकेट क्या होता है बस यहाँ पे है और पेल्विक में ठीक है जो कि हम लोग जब आई आई डो नो हम लोग शुरू में आए थे कि नहीं आए थे शुरू में हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व भी किया था कि आपको बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे होता है ठीक है शशिभूषण सी हाँ सब लोग को मतलब आइडिया लग गया ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं बॉडी में कहां, कहां पे मेन मेन हमारा कितने टाइप का जॉइंट्स होता है क्योंकि वो जॉइंट्स पे क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं ठीक है थीके? तो पहले हम लोग फोटो देख लेते हैं अब देखो ये इंपॉर्टेंट में ये वाला फोटो इसलिए लाया हूं कि आप सारे जॉइंट्स के मूवमेंट को प्रॉपरली समझ जाओ ये देखो पिवट में क्या होता है ना ये बस रोटेशन करवाता है हमसे जो हम ऐसे ऐसे मोर पा रहे हैं ना ये ये ऐसे ये इस जॉइंट के कारण मोर पा रहा है तो फिर क्वेश्चन आएगा कि ये और ये ये और ये कैसे कर पा रहा है तो वो इसमें नहीं दिया हुआ है इसके नीचे यहाँ पे जो एक और होता है जॉइंट जो वर्टेब्रे का पार्ट होता है वो ये वाला मूवमेंट करवाता है हमें लगता है कि ये वाला भी यही करवा रहा है ठीक है तो ये जो हमारा रोटेशन वाला चीज है ये आपको पेवट हेल्प करता है अपने हेड को मोड़ने में जैसा कि आपने तपस ने शायद बोला था तो ये अपना देखो बॉल सॉकेट हो गया और ये अपना सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड द लार्जेस्ट मूवमेंट तो इसमें आपका आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट क्योंकि आप देखो इसको ऊपर इसके जाने मतलब मान लो अपना ये बॉल है जो ये फ्यूमर का इसको स्कैपला इस को छेद करके ऊपर जाने के अलावा हर जगह मूवमेंट का फ्रीडम दिया गया है ये ये गोल भी घूम सकता है ये आगे भी जा सकता है ये पीछे भी जा सकता है ये इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है तुम देखो ना कटोरे जैसे एनसीआरटी में जो पिक्चर लिया हुआ था कि कटोरे में एक सिलेंडर को कार्डबोर्ड को डाल दिया था अब वो हर जगह घूम सकता था एक्सेप्ट दैट कि वो कटोरे को ही छेद कर दे बस एकमात्र वही प्रिवेंशन है अदरवाइज वो हर जगह घूम सकता है तो ये क्वेश्चन अगर आ, आता है एग्जाम में कि फ्रीडम टू हैव अ मोशन तो वो अपना आंसर होगा बॉल एंड सॉकेट ठीक है और कहां पे अपना बॉल एंड सॉकेट तो यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया और ये आपको मैंने आ, याद दिलवाया था थोड़े भेर कितने को अभी याद है कि सब भूल गए ऑलरेडी ये याद रखिएगा ठीक है ये एग्जाम में आता है कभी कभी तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अब ये और ये आपको क्या हो गया हिंज हो गया देखो इसमें क्या है ये वाला बस एक ही डायरेक्शन में घूम पा रहा है तो ये अपना क्या है बस एक ही डायरेक्शन पे घूम पा रहा है आप बोलोगे सर ऐसे भी तो घूम पा रहा है तो ये वाला चीज इसके कारण हो रहा है ना कि इसके कारण ये चीज आपको यहां से आप इसको ऐसे ऐसे मोर करके दिखाओ ना नहीं मुरेगा ठीक है ये रिस्ट नहीं मर मैं ये वाला चीज को बोल रहा हूँ एल्बो को बोल रहा हूँ ठीक है यही चीज आपका नी पे भी है तो ये हम कंफ्यूज ना करें कि हाथ को ऐसे मोड़ ले रहे हैं ऐसे मोड़ ले रहे हैं तो ये इसको भी सारे फ्रीडम मिले हुए नहीं इसको बस एक ही साइड का फ्रीडम मिला हुआ है अगर और कोई मोशन कर पा रहे हैं तो वो इसके कारण कर पा रहे हैं ठीक है थेके? तो ये याद रखिएगा कि इसको जॉइंट कहाँ हो गया अपना यहां पे हो गया यहां पे हो गया और आपको आता है ये सैडल आपको जनरली सैडल वैडल उतना एग्जामिनेशन में नहीं देगा आपको hinge, और पूछता है, लेकिन, ये एक अच्छा फिगर है, तो है, uh, 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 है तो एग्जामिनेशन में आपको बॉल एंड सॉकेट आता है हिंज आता है और आपको uh, एक और था कौन पिवेट uh, आता है ये आपको एग्जामिनेशन में मेन आता है और ये आपको अच्छे से एकदम याद रखना ही पड़ेगा और कभी कभी आपको पूछ देता है कि फैलेंजेज कहाँ हैं वो तो स्कल के स्केलेटन सिस्टम में पूछेगा और कार� कार्पल्स कहाँ होता है मेटा कापल्स कहाँ होता है तो कार्पल्स अपना रिस्ट में होता है और जो पाम वाला जो पार्ट है इसमें मेटा का्पल्स हो गया और ये फैलेंजेस हो गया अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये टोज और ये चारों फिंगर जो है ये, ये सेम होते हैं क्या नहीं अलग होते हैं क्यों क्योंकि ये जो अपना फिंगर्स है इसमें तीन तीन फैलेंजेज होता है और इसमें दो फैलेंजेज होता है तो ये वाला चीज स्ट्रक्चरली इन चारों से अलग है तो ये देखिए इन चारों उंगली का भी साइज डिफरेंट है स्टिल आपको सब में तीन फैलेंजेस है लेकिन इसका भले साइज इससे अलग है लेकिन स्ट्रक्चरली भी अलग है इसमें दो फैलेंजेस होता है तो ये अपना ये भी फैक्ट याद रखना है आपको ये वाला कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में और इसको इसको क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ये वाले पार्ट को हम लोग फैलेंजेस ही बोलेंगे और जो इसका एंकल होता है उसको टार्सल बोलते हैं और उसके आगे वाले पार्ट को मेटा टार्सल बोलेंगे जैसे यहां पे बोल रहे थे हम, हम लोग क्या इसको हम लोग बोल रहे थे कार्पल मेटा कार्पल फैलेंजेस टार्सल मेटाटार तो ये आपको कभी कभी आता है क्वेश्चन में और अगर आप लोग को ये तो पता होना चाहिए इस बला को हम लोग क्या कहते हैं इस बला को हम लोग कहते हैं फेम्योर यह आपको सबसे लंबा होता है ठीक है और ये बला को ये दोनों बला को भी क्वेश्चन आते रहता है कभी तो इसको रेडियस और उल्हा कहते हैं जो फोर आर्म हुआ ना इसको तो हम लोग ह्यूमर बोलती है ये जो मतलब ये पीछे वाला फोर वा आर्म को क्या बोलते हैं ह्यूमर रेडियस एंड उलना और इसको टीबिया एंड फिब्यूना ठीक है तो ये चार ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स है और एक अगर कभी कभी एग्जाम में आता रहता है कि कान में कौन सा बोन होता है और सबसे छोटा बोन आपके बॉडी में कौन सा पाया जाता है है तो तो उसका नाम होता है स्टेपीज तो ये ये सब सब जो जो अभी मैंने डेटा दिया आपको आपको कुछ कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आप घबराओ मत मैं आपको बोल के नहीं निकल जाऊंगा मैंने ये आता हूं इस पर आता हूँ मैंने आपके लिए सब कुछ फोटो रखा हुआ है कि रिविजन आपको जब करने का मौका मिले तो आपके पास सारा मटेरियल हो इधर उधर आपको भागना ना पड़े ठीक है ह्यूमर और आपको फिर ये रेडियस ये अलग अलग हाथ में दिखा दिया लेकिन दोनों हाथ में वही चीज़ है फेम्यूर आ, फीबिया फीब्यूला टीबिया और ये तो अपना समझ ही रहो तो ये कम से कम एकदम मेन मेन है इसीलिए मैंने ये वाला फोटो चूज़ किया है ये आपको एकदम याद रहना चाहिए ऑल्दो इसमें ये भी दे सकता था कि ये आपको कार्पल हो गया ये मेटा कॉपल हो गया यहाँ से फैलेंजेज हो गया और ये तो पैर मैंने फोटो में ही काट दिया ठीक है यहाँ पर दिखा दे रहा देना कि ये यह यहाँ पे टार्सल हो गया यहाँ मेटा टारसल हो गया ये फैलेंजेज हो गया ठीक है तो ये आपको पता रहना चाहिए और ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये यह पिक्चर और भी अच्छा है उस पिक्चर से ये कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ पेवेट जॉइंट कहाँ पे है तो ये सर्कुलर मोशन में आपको कैसे देखो हेल्प कर रहा है तो हम लोग उल्लू की तरह अपना मूरी घुमा पाते मतलब कि उल्लू का जो ये वाला पेवेट जॉइंट होगा वो एक नंबर क्वालिटी का होगा क्योंकि वो अपना मुंह दम उल्टा ऑलमोस्ट घुमा देता है तो वो समझ रहे हो कि बहुत हाई क्वालिटी का होगा ठीक है तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और वही यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है कि जो पहले तो इसका हम लोग समझ गए कि ये रेडियस होता है और ये वाला नीचे में टीबिया होता है अब ये आप देख लेना कि आगे कौन होता है जैसे ये हम लोग बोलते हैं ना इसमें शिन बुन अच्छा पैर तो मेरा ऊपर आ नहीं है मैं भले पैर उठा रहा हूँ लेकिन वीडियो में नहीं आ रहा था जो शिन बुन जिसपे बचपन में बच्चा सब जूता से मार देता था बड़ा बच्चा सब ये अजीब होता है मुझे भी पहले बचपन में मार मुकेश आपको क्या समझ में नहीं आया लास्ट वन लाइक ये वाला समझ में नहीं आया क्या और uh, जी इसलिए तो मैंने आपको बोला कि वो टेलीग्राम वाला मेरा आईडी आप ज्वाइन कर लीजिए वहां पे सारे कार्यक्रम अगले जितने भी uh, साल तक मैं पढ़ाने वाला हूं जो कि मुझे लगता है तीस चालीस साल तक तो पढ़ाऊंगा ही तो वो सारे मटेरियल आपको वहीं मिलेगा exactly, मतलब लास्ट वन मैं समझ नहीं पाया मुकेश जी आप लास्ट में किसे बोल रहे हैं चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आ, आ, ये जो होता है हमारा ये होता है बैक आर्म इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमर ठीक है और इसको बोलते हैं फोर आर्म इसमें दो हड्डियां होती हैं ठीक है थीके? एक होता है उलना एक होता है रेडियस ठीक है ऐसा नहीं कि यहां पे उलना नहीं है और यहां पे रेडियस नहीं है वो बस फिगर को साफ करने के लिए ऐसा बना दिया है ठीक है ये होता है लॉन्गेस्ट हड्डी जिसको बोलते हैं थाई बोन फेम्यूर बोलते हैं और यहां पे हमारा क्या है टीबिया और फिब्यूला ये हमारा हड्डी चार पांच जो मेन मेन होता है ये समझ गए शॉर्टेस्ट हड्डी हमारे बॉडी में कहा होता है तो कान के अंदर होता है जिसको हम लोग स्टेपीज बोलते हैं ठीक है ठेके? और नहीं नहीं यहां नहीं इसमें ये जो रेस्ट में हमारा यहां पे भी तो बोन है ये रेस्ट वाले बोन को हम लोग क्या बोलते हैं कार्पल बोलते हैं फिर पाम जो जिससे हम लोग पकड़ते हैं कोई चीज ये वाला चीज ये उंगली नहीं पाम वाला पार्ट ये वाला पार्ट तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटा कापल बोलते हैं कापल ये वाला पार्ट हो गया ठीक है और फिर उंगली वाला पार्ट बस यहां से उंगली वाला पार्ट तो यहां पे तीन फैलेंजेस होता है एक दो तीन ये लेकिन ये थंब में थंब में आपको बस दो ही फैलेंजेस होते हैं तो क्या हो गया कार्पल मेटा कापल फैलेंजेस तीन फैलेंजेस दो फैलेंजेस पैर में टारसल मेटाटार्सल और फैलेंजेस तो ये आइडिया लग गया सारे बोन का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है लास्ट हाँ, में ये बोल रहा था कि आपको कभी कभी इतना नहीं आएगा कभी कभी पूछ देगा आपको कि इन द लोअर लेग टीबिया नहीं ये वाला चीज इन द फोर आर्म द रेडियस थम साइड जैसे ये वो ना ये थम से कौन सा बोन जुड़ा हुआ है यहां पे दो हमने बोला कि यहां पे दो बोन है लेकिन थम साइड आपको कौन सा बोन है तो वो रेडियस है ठीक है इतना नहीं आएगा लेकिन आपको लेकिन फिर भी आप uh, क्योंकि मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है तो एक ग्लान्स तो मार ही सकते हो आप और लोग से आगे रहोगे ठीक है इसलिए ये मैं आपको प्रोवाइड करते चलता हूं वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज सपोर्ट्स बॉडी वेट कार्टिलेज अलाउस फ्लेक्सीबिलिटी एट द ज्वाइंट्स कार्टिलेज कवर्स द कवर्स द बोन कार्टिलेज प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स एक सेकेंड मुझे यहां लिखना मैंने ये छोड़ दिया ये आप लोग ध्यान देना मेन दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है आप लोग मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से हो मतलब मुझे उम्मीद है कि नाइन्टी परसेंट तो नाइन्टी नहीं एटलीस्ट फोर्टी फिफ्टी परसेंट तो बिहार से हो गए ही हो गए आता हूँ मैं आप लोग मैं सही नहीं बताऊँगा कौन कौन सही बोल रहे हैं मैं लास्ट में बताऊँगा क्योंकि मैं जिसको सही बोल रहा था फिर सब लोग वही आंसर लिखने लगता है आ, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है आप लोग न्यूज़ में कवर देख ही रहोगे कि अभी जो बोल रहा हूँ तो मेरे गले में बार बार वो होते जा रहा है जैसे सैंड पेपर होता है ना सैंड पेपर अगर अपने हाथ पे आप रख लो तो वो चीज फील हो रहा है यार क्या बताओ यार देश के कैपिटल का ये हाल है फ्लेक्सीबिलिटी एट द जॉइंट्स हाँ सब लोग सही जा रहे हैं मतलब सबको आगाजी आपको तो जानता ही आपसे मुझे लगता है कि पूछा था कल कश्मीर फारूक आपके तरफ तो यार पूरा एकदम आसमान साफ होगा यार राहुल किला राहुल किला भी मुझे लगता है साफ ही होगा रांची देव जी रांची बताइए वहां का क्या हाल है गोल ओ सर मैंने जाने वाला मैं उधर रिगार्डिंग <laughs> uh, आंसर आपका सही है ठीक है अब देखो कि काटले लव द फ्लेक्सीबिलिटी एट द जॉइंट्स अब अगर जॉइंट्स दो हड्डी स्टील का जो जैसे ये यह, ये पेन है ये पेन फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है बिकॉज ये रिजिड है अगर मैं इसको तोड़ के बीच में इसको दोनों को रबर से जॉइन कर दू

माहिव जी ये सही बात है कि गलत बात है अब इसलिए बस सही मत बोल दीजिएगा कि आप वहां से है इसीलिए हाँ। तो, हाँ, अब इंपॉर्टेंट है कि कार्टिलेज के बारे में फंक्शन तो हमने पढ़ लिया अब ये है कौन सा भला भाई तो देखो ये सब उतना याद मत करना क्योंकि ये थोड़ा बायोलॉजिकल साइड में चला जाता है लेकिन फिर भी मैं इसको क्यों इंक्लूड करता हूं क्योंकि जब भी मैं इसके बारे में पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे यार इस इंफॉर्मेशन को कैसे हटा दो कल को मान लो बच्चों को क्वेश्चन आ गया तो फिर लग गया कि काश मैंने उसको भी डाल दिया होता लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्यों बोलता हूँ कि कल को आप अगर रिविजन करो तो इस सब पे उतना ध्यान ना दो क्योंकि आपको पता हो कि हाँ टीचर ने बोला है कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये बहुत ज्यादा कोर हो रहा है ठीक है दे बहुत अच्छा मैं भी देव तारिक यादव जी अच्छा भी आप आप लोग छत्तीसगढ़ में फंक्शन ऑफ कार्टिलेज क्या होता है तो मैंने आपको एक जनरल वाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है कनेक्शन होता है शॉक एब्जॉर्बर होता है जो जनरल आप जानते हैं वही सब लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन कम करेगा आ, वो जो फोर्स है अब मैं मान लो ऐसे जंप कर रहा हूं अगर तो मेरे नीज पे फो आपको नॉर्मल रिएक्शन पड़ेगा ना तो अब वो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है तो वो आपको इवेंचुअली ये सब फंक्शन करता है तो ये इन जनरल कार्टिलेज को जान लीजिएगा इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन नहीं आने वाला है ठीक है ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको नाम जान लेना लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है मैं हूं रायपुर से हूं आप लोग गैस करो यार मैं तो मेरा आ, बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा एविडेंट है आप लोग आराम से गैस कर लोगे इन ह्यूमन बॉडी विच टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप अलाउज ये तो आप लोग को मैं तब से बता रहा हूँ ये तो आप लोग को आ, एकदम बनाना ही चाहिए इसमें तो मुझे ऑप्शन को रीड करना भी जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपको आराम से हो जाएगा चलो सब लोग सही जा रहा है अच्छा बात है इस पर कुछ बोलना जरूरी है क्योंकि तब से तो हम लोग इसी पर बात कर रहे तो आई डोंट थिंक इस पर फिर से समझाना ज़रूरी है सीधे आगे बढ़ते हैं क्या क्योंकि नहीं तो फिर से रेपिटेशन हो जाएगा तो ऑब्वियस जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ है तो आप लोग पढ़ लेना व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स लाइक द नी एंड एल्बो प्राइमरीली अलाउज बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग मूवमेंट ये ये थोड़ा नया है ऑल तो इसके बारे में भी बात किया था आ, लेकिन इसमें क्या होगा आंसर बताओ एग्जाम्पल मैं बोलूंगा अपने दिमाग में गेट को सोचना वो जो अपना गेट होता है ना कोई भी गेट दरवाजा तो आंसर आपको दिख जाएगा नहीं देव देव जी कम से कम डी तो आपने नहीं बोला होता डी तो मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है आ, नहीं मनु आ, ए नहीं है जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि देखो एल्बो का सिर्फ एक ही साइड आप मूवमेंट कर सकते हो ऊपर नीचे इसको अगर मैं ऐसे मूव करना चाहूँ तो हो रहा है क्या आप बोलोगे हाँ हो रहा है नहीं वो इसके कारण हो रहा है ये मूव कर रहा है ना कि ये मूव कर रहा है तो आंसर आप सोच के देखिए आप लोग क्या होगा गाजिया जी वो आ, क्या बोल रहे हो आप हाँ चलिए आप सही हैं ऊपर कोई सी लिखा था कि नहीं लिखा था अभी तक ऊपर भी कोई मुझे लगता है सी लिखा था लेकिन हाँ गोल आप सही हो फारूक आप सही हो और आर के कमल जी आप गलत हैं फिर अभी अभी बताया बताया था था exactly एग्जैक्टली गोल यही मैं बोल रहा कि अभी तो बताया था इसे कि तो इसे जॉइंट अपना एल्बो में और आपको नीज में कि ये बस एक डायरेक्शन में मूवमेंट आपको करवाता है इसीलिए मैंने गेट का एग्जाम्पल दिया आप गेट को जब ऐसे खोलते हो तो कभी इसको ऐसे खोल के देखो ना होता है कि नहीं खुलता है। या कभी उसको टेढ़ा करके खोल के देखो नहीं वो बस एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हिंज है, लो, है, है ठीक है तो आई थिंक अच्छा, तो, आगे बढ़े शशि भूषण जी आप ऑर्डर देते हैं हमें आगे बढ़ने का ऑर्डर देते हैं तो यस लिखिए अब भूषण जी अब ऑर्डर देंगे तभी आगे बढ़ेंगे जल्दी से भूषण जी को मनाइए कि आगे बढ़ने के लिए बोला जाए शशिभूषण जी आ गया दीजिए जल्दी क्लास को आप रोके पड़े हैं अरे शशि भूषण जी सी तो मान लिया अब बोलिए यस सर कि हाँ आपको आ गया है कि आप क्लास आगे बढ़ाइए क्या शशि भूषण जी आप एकदम मतलब क्लास को हाईजैक कर लिए यार फारूक जी ने दे दिया पहले अब फारूकी जी का को मान लिया मैंने Uh, enjoyed. Uh, ये सब वर्ड पे मत जाना जनरली आपको न, uh, ये आपको इसी चीज का टेक्निकल वर्ड है तो इसमें आपको ज्यादा नहीं घुसना है ठीक है uh, अब आता है नया क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्राइमरली रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी कार्बोहाइड्रेट फैट रफ यस गोल शशि भूषण जी आपको नहीं लग रहा कि आप काफी देर लगा दिए यस करने के लिए इतना देर में तो हम लोग दो तीन को क्वेश्चन कर लिए होते यस गोल जी इसका आंसर दीजिए आप लोग यस yes, खातून जी आप सही हैं प्रताप जी आपका भी आंसर सही है शशि भूषण जी आपका भी आंसर सही है फिर गोल जी आप तो एकदम टेक्निकल घुस गए फिर नीलिमा आप तो एकदम फटाक से आंसर देती है आपका आंसर मैंने देखा सबसे पहले आता है और लब अभी लोग सही है इसमें ठीक है बिकॉज ऑब्वियसली ये वाला चीज हमने इतना बार पढ़ा है कि आ, सभी को पता होता है लेकिन थोड़ा तो नया इन्फॉर्मेशन मांगता है बॉस क्या तो क्या बॉस मिले नया इन्फॉर्मेशन क्या मिले पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं नया इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं हेमोग्लोबिन में प्रोटीन क्या है और नॉन प्रोटीन क्या है और आयरन किससे जुटा होता है प्रोटीन पार्ट से या दूसरे पार्ट से बताओ जी बताओ बताओ दास आप तो लग रहा है पहली बार आए हैं बिनोद जी बिनोद जी ने ए मार दिया बिनोद जी ऐसा क्यों किया यार आप पहली बार आए और उसके बाद आप ए मार के चले गए यार ये ये तो नहीं चलेगा और ये आप लोग सी लिख रहे हो यार नई शशिभूषण जी ऐसा मत करे यार दिल को दुख होता है अरे यार वो लड़का जो मीम बनाता था वो शायद उनका डेथ हो गया ना जो मैंने अभी डायलॉग बोला वो आते थे बड़ा दुख होता है यार बड़ा खराब लगा था मुझे जब उनका ये हुआ था मतलब मैं हमेशा तो नहीं देखता था उन्हें लेकिन जब भी देखता तो मज़ा तो आता ही था यही नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं तो इसका आंसर आयरन तो है लेकिन आप लोग ने जो मेरे क्वेश्चन का पार्ट था वो आंसर नहीं दिया कि आ, प्रोटीन पार्ट में आयरन आता है या आ, चलो आप लोग क्या आंसर सीजन देते हैं ठीक है हेम और आपको बना होता है दो चीज़ से ठीक है हेम प्लस ग्लोबिन जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है ठीक है और वो आपको एक साथ चार फॉर्म में होता है ये चार फॉर्म क्या होता है हम दिखाएंगे अभी ठीक है और जो हेम पार्ट होता है उस पर आपको आयरन होता है और जो आयरन होता है वो आपको ऑक्सीजन को पकड़ लेता है ठीक है तो ये बात याद रखिएगा ये कभी कभी क्वेश्चन इस एंगल से भी आता है ठीक है अब ऑब्वियसली ये आपको अच्छा आप इससे एक और क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं आ, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता हूं ठीक है शचि पूछ कोई बात नहीं आ, ये क्वेश्चन ये है कि लंग से आरबी जो हेमोग्लोबिन अच्छा पहले बताओ हेमोग्लोबिन किस में होता है आरबीसी में होता है डब्ल्यूबीसी में होता है दिया हुआ था क्या मैंने आने नहीं दिया हुआ आरबीसी में डब्ल्यू सर सी किसमेंट से मतलब गोल आपके क्वेश्चन लाइक ये अचानक से आप इतना सीरियस तु, क्यों हो गए इस पार्ट को लेकर समझ में नहीं आया मैं आरबीसी एग्जैक्टली नीलिमा आप सही हो ठीक है अब आरबीसी में होता है अब आरबीसी जो होता है हमारा आपको आ, वो जो आ, उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है और जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसके बाद आता है ये देखो ये हेमोग्लोबिन बला है ये बेचारा एक आरबीसी है जो कि यहाँ इतना बड़ा दिख रहा है वो हम लोग को दिखेगा भी नहीं ठीक है और जो मैंने आपको बोला कि चार प्रोटीन होते हैं तो वही अल्फा चेन बीटा चेन आपको फिर से बीटा चेन और अल्फा चेन तो ये चार होते हैं इसके बीच में देखो एक ये छोटा सा आपको हर जगह हेम दिख रहा है और ये हेम में तो अगर हम लोग को बोलना है कि, आ, ये, आपको एक हेमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन जा रहा है तो चार ऑक्सीजन जा रहा है तो कल को ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए ठीक है ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा और डिटी देखिए कभी भी डिटेल्स में मत जाइएगा बस ऊपर सरफेस वाला इंफॉर्मेशन लेकिन रहना चाहिए क्योंकि जो पीएससी में आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आ, अच्छा ये बोल रहे थे आप आ, वो आ, क्या नाम है मैं कहां पे था आपको कि जो डिटेल में हमें नहीं चाहिए होता इंफॉर्मेशन कि आपको ये अल्फा चेन क्या है बीटा चेन क्या है इसका आइसोमर क्या है ये सब जो कि नीट वाले बच्चे को चाहिए होता है लेकिन आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ा बेसिक ऊपरा ऊपरी वाला इंफॉर्मेशन आपको पता हो ठीक है तो अब ये देखिए कि हेम ग्रुप कैसे ऑक्सीजन को पकड़ता है मैंने यहां पे दे दिया है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आ, लेकिन हाँ इतना आपको जानना पड़ेगा कि आपको इसी में आयरन होता है और यही आपको ऑक्सीजन को बाइंड करता है इस पार्ट को कम से कम आपको पता होना चाहिए ग्लोबिन क्या होता है तो यही देखो टेट्रामेरिक प्रोटीन ये वर्ड सब जानने की उतना जरूरत नहीं है आ, लेकिन इतना जरूर जानो कि चार आयरन का प्रोटीन का साइट है और इसमें ही आपको हीम रहता है जिसमें कि आपको आयरन रहता है जो कि आपको पकड़ता है ऑक्सीजन को ठीक है फिर आपको दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबिन ये सब मैंने आपको बस इसलिए दे दिया कि बस एक रीड मार लो लेकिन हमेशा साथ में ये बोलते चलता हूं कि ये सब पीएससी के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है अब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कैसे करता है तो ऑब्वियसली हमने ऑक्सीजन लिया ब्लड आपको लंग्स में आ रहा है फ्लो कर रहा है वहां पे आपको डिफ्यूजन हुआ ऑक्सीजन का वो आपको ब्लड में गया और आपको आरबीसी ने उसको पकड़ लिया एंड देन इवेंचुअली यू नो द स्टोरी इंपॉर्टेंट बात यह है जब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसफर होता है क्या आपको आरबीसी से तब आप लोग का आंसर क्या होगा गोल लिम्फोसाइट, बी सेल टी सेल का समय आएगा जब आएगा हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे आप हम समझ रहे हैं आप जो न्यूज को बताना चाह रहे हैं आ, लेकिन जब उसका समय आएगा हम लोग प्रॉपरली उसको डिस्कस करेंगे जेरे का आंसर यस है आर के समल का है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली आर से आपको ट्रांसफ़र होता है क्या जैसे ऑक्सीजन कंप्लीटली हेमोग्लोबिन से ट्रांसफ़र हो रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपको मार्टन जी नहीं थोड़ा बहुत होता है अभी हम बात करेंगे आ, आ, क्या कंप्लीटली उसे ट्रांसफ़र होता है क्या चलो मैं वेट नहीं करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वेट करेंगे तो ज़्यादा टाइम चल जाएगा आ, नहीं कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है लगभग 20 से 25 परसेंट जो होता है वो आपको जब सेल से डिफ्यूजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको सीधे आर में एग्जैक्टली exactly जैनित आ जाता है मैक्सिमम फॉर्म ऑफ जो ट्रांसफर होता है वो उसका आपको बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है तो ये याद रखना है ये आप लोग को बस ये याद रखना है कि आपको हंड्रेड कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू नहीं जाता है ठीक है तो ये अपना हो गया और यहाँ पे एग्जैक्टली exactly दिया हुआ है कि जब हेमोग्लोबिन से कमा होता है तो क्या होता है इसको कार्ब, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं ये आपको 20 से 25 परसेंट होता है ठीक है ये बस याद रखिएगा और ये बाइकार्बोरेट आयन जो होता है ये आपका लगभग 70 से 75 परसेंट होता है तो ये दोनों आपको याद रखना ये गलत ना हो जाए ये आपको कहाँ पे है आपको आरबीसी में है और जो बाइक अपडेट वाला चीज कहां हो रहा है ये प्लाज्मा में हो रहा है ठीक है प्लाज्मा क्या होता है फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है तो ये तीन चार जो कनेक्टिविटी uh, है दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा ये कभी भी अराउंड क्वेश्चन बन सकता है ठीक है फिर आता है वेन क्रिएटिंग अ वर्क ऑफ आर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज माइट एन आर्टिस्ट लुक फॉर इन अ अटीरियल टू अचीव अ फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट बताइए स्टेड ग्लास फ्रॉस्टेड ग्लास का आप लोगों को मतलब पता है कि नहीं As usual, एक सही आंसर आ चुका है नहीं 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 आरके समल नहीं तपस सही है नहीं गाजिया नहीं आपको पहले समझना पड़ेगा फ्रॉस्टेड ग्लास होता क्या है आ, मार्टन नहीं गलत हार्ड गलत देखिए अगर फ्रॉस्ट थोड़ा सोच के देखिए कि फ्रॉस्ट कहाँ हम लोग यूज करते हैं वर्ड मान लीजिए जनरली वर्ड अगर यूज नहीं भी करते हैं तो क्या फ्रीजिंग से साउंड है क्या आ, बर्फ में हम लोग ऐसा कुछ वर्ड खोजते हैं अगर बर्फ में बोल रहे हैं तो क्या वो कैरेक्टर होगा बर्फ का जो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है चलो सीधे है, है? Uh, क्यों? लेकिन फिर भी आप उसके बाहर देख सकते हो तो ट्रांसल्यूशन का ये तो डेफिनेशन होता है कि वो आपको पार्शली लाइट को अलाउ करता है टू पास थ्रू और जो अपना एकदम क्लियर ग्लास वाला होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है जैसे आप देखे हो कि कोई कोई खिड़की होता है कि वो एकदम आर पार आप आराम से दिखते हो को कोई खिड़की होता है कुछ एकदम हल्का हल्का धुंधला टाइप का रहेगा और आपको हल्का हल्का तो ट्रांसल्यूसेंट इसका सही आंसर होगा ठीक है तो सुरेंद्र सिंह ये आप चॉइस कर लीजिए फिर आता है आपको विच टाइप ऑफ मटेरियल इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब अ मटीरियल दैट आर ऑफ एंड शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली गाजिया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो तुरंत आंसर दो यार ये तो बस एनसीआरटी में लिखा हुआ था इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन लिया हुआ है अदरवाइज ये तो एकदम बच्चे बच्चे को पता होगा यार इसमें आप लोग इतना टाइम क्यों लग रहा है ये तो बहुत ईजी है यार एग्जैक्टली ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ तो मतलब इसमें कुछ समझाने वाली बात है भी नहीं ये तो बहुत ईजी है ठीक है वही मेटल का नॉर्मल डेफिनेशन दे दिया हूं, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताना भी है ये आराम से आ, ये तो आपने अपना नाम ही रख दिया यार यूपीएससी फ्रॉम बिहार अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता हाँ आ, ये आप एक बार पढ़ सकते हो कि मेटेलॉइड क्या होता है कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करता है और इसमें दोनों क्वालिटी होता है तो ये आप आ, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मेन है 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 कि इसके आपको आपको पता पता होना चाहिए ठीक तो आपको पता है, तो वहां पे आप गलत नहीं करोगे एंड नोबल गैस जिसका रिएक्टिविटी आपको एकदम नेग्लेजेबल रहता है क्यों क्योंकि वो ऑक्टेट एंड हीलियम के केस में ड्यूपलेट वो मतलब कि आउटर शेल में उसका आ, जो इलेक्ट्रॉन शेल है वो कंप्लीटली रहता है इसीलिए वो नॉन रिएक्टिव कैरेक्टर होता है तो ये आपको आ, वो गैस और जनरली कभी कभी ग्रुप भी पूछ देता है इसीलिए ये भी आपको याद रहना चाहिए ट्रांजिशन मेटल क्या होता है ये डी ब्लॉक में होता है तो बस इतना याद रख लो ये कलर्स के लिए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए आपको इसको जानना पड़ेगा अदरवाइज इससे डिटेल में नहीं घुसेगा अंदर में ठीक है अच्छा हाँ जो लोग नए हैं वो देख ले आ, ये पियाजे लाइव है आ, मैं आपको इसी पे शेयर करता हूँ क्या बोलते हैं उसे अरे यार जी फाइल कभी कभी मेरा दिमाग मेरा फ्रीज हो जाता है भाई फ़्रॉस्टेड ग्लास हो जाता है मेरा तो पी आर जे लाइफ पे मैं शेयर करता हूँ अपने सारे फाइल्स को तो जो बच्चे नए हैं जो नहीं जानते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा एक डायलॉग रिपीट करता हूँ आपके आधार कार्ड के बाद ये आई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा ये भी हाँ आ गया ये भी पी आर जे लाइफ ये देख रहे हो कितना सही किस्मत है कि ये भी मुझे मिल गया और ये भी मुझे मिल गया ये बहुत रेयर लोगों के साथ होता है हाँ मिल जाएगा गाजिया वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा एंड ऑब्वियसली दोज़ पीपल वांट टू अटेंड द क्लासेस आइदर ऑफ इट कोई बिहार से कोई उत्तर प्रदेश में कोई जम्मू कश्मीर जैसे मीर जी जम्मू कश्मीर के थे uh, मध्य प्रदेश अच्छा मध्य प्रदेश के जनरली कोई बच्चे नहीं आते कोई है क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश का क्योंकि मैं देखा हूँ कि आसाम से आते हैं उड़ीसा से आते हैं uh, जम्मू कश्मीर से आते हैं बिहार से आते हैं फिर आपको यूपी के आते हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं लेकिन एमपी तक अभी एक भी बच्चा नहीं मिला मुझे मतलब आया तो मुझे बताया नहीं उन्होंने रिगार्डलेस ठीक है तो पियाजे लाइव डालो और फिर कुछ कमाल देखो कमाल क्या है यहां से यहां पहुंच जाओगे ठीक है चलो आते हैं वट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द वाइटमिन इन द डाइट प्रोवाइडिंग एनर्जी बिल्डिंग मसल्स रेगुलेटिंग मेटाबोलिज्म असिस्टिंग इन वेरियस बॉडीली फंक्शन ये वर्ड याद रखना ये सब क्वेश्चन में ना हमेशा प्राइमरीली मेनली आ, ये सब वर्ड आपको हमेशा याद रखना है ठीक है अच्छा आप जेनित हिमाचल से हो आपने तो सेव भी दे दिया यार ये बहुत सही तरीका था मुझे एक्चुअली में हिमाचल आने का बहुत मन है मतलब फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि मेरा पुनर्जन्म शायद वहीं हुआ होगा हिमाचल मुझे बहुत सही लगता है जबकि उत्तराखंड भी वैसे ही होगा मैंने तो ना उत्तराखंड देखा ना हिमाचल देखा है लेकिन एक इमेज जो दिमाग में बना हुआ है वो बहुत अच्छा बना हुआ है रिगार्डलेस आप लोग का आंसर दे रहे हो डी सी डी असिस्ट ने डी दिया है फिर देव दी डी अरे ये मैंने अभी ध्यान दिया है। देव कुमार ने जब डी लिखा तो एक मूवी आई थी देव डी फिर नीलिमा हाँ सब लोग सही जा रहे हो शशि भूषण जी नहीं गलत है आपने बिल्डिंग मसल्स क्यों लिख दिया ये तो साफ ही गलत है शशि भूषण जी ये प्रोटीन होता है फिर क्या सब लोग सही जा रहे हो ठीक है तो ये आप लोग ने क्यों नहीं किया रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म जैसे आप लोगों ने जो गला दे रहा है ये तो चलो आप लोग सीधे कार्बोहाइड्रेट से छाँट लेते हैं ये आप लोग बहुत लोग ने प्रोटीन को छाट दिया होगा रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म में मुझे लगा था कि कुछ कुछ लोग डालेंगे कि वाइटमिन से कुछ मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल होता होगा ऑब्वियसली रिएक्शन हो रहा मेटाबॉलिज्म में तो शायद वाइटमिन का भी वहाँ पे रोल होता हो तो मुझे लगा था कि वहाँ भी आंसर आएगा लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो है वो बॉडीली फंक्शन असिस्टिंग में आपको इसका काम होता है इंजाइम में को इन्जाइम की तरह तो वहाँ पर ये हेल्प करता है ठीक है तो अब और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको मतलब पिछले टेस्ट वाले में याद करवाया था आप लोग को कि सारे विटामिन के नाम याद होने चाहिए तो एक बार रिविज़न कर ले वाइटामिन ए e कैसे याद करते हैं हम लोग वाइटमिन ए e के थ्रू कमी के थ्रू आँख में हम लोग का प्रॉब्लम होता है आँख में प्रॉब्लम होता है तो रेटिना इसीलिए आपको क्या हो गया चलो साथ में क्योंकि आपके साथ खुला रहेगा तो फिर आपको सही रहेगा ठीक है हाँ वाइटामिन के साथ हाँ तो वो रेटिनोल हो गया क्योंकि आंख में रेटिना आता है इसीलिए रेटिनोल हो गया फिर आता है वाइटामिन बी वन इससे क्या होता है थाईमिन फिर वाइटामिन डू बी टू रिबोफ्लेविन वाइटामिन थ्री नियासिन वाइटामिन बी फोर नहीं भाई बी फोर नहीं होता है वाइटामिन बी फाइव पाँच को पेंटागोन बोलते हैं इसीलिए इसको पैंटोथेनिक एसिड बी सिक्स पायरो नाइट लाइन ठीक है आप लोग रेटिनो कर सकते हो पायरोडिक्सिन इसको कैसे याद करेंगे सिक्स में आईएक्स होता है तो बी सिक्स में भी देखो पायरोडिक्सिन हो गया फिर बी सेवन क्या होता है तो बी सेवन होता है बायोटिन बी नाइन क्या होता है इससे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है बी नाइन और ट्वेल्थ से ये याद रखिएगा जब भी कोई डी का प्रॉब्लम हो ना तो आपको ये वाला डालिएगा डी एन जो भी और जब भी आपको पड़नीशे सनीमिया है तो आपको कोबाला डालना डालना ठीक है ठीके? तो ये आपको फोलेट और ये और इसका मैंने आपको आई थिंक पिछले क्लास में हे, मैंने ट्रिक दिया था मेरे हिसाब से ट्रिक रहता है अगर आपको उसका जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर ऐसे ही आपको याद है तो जैसे इसमें ट्रिक ये था कि आ, मैंने क्या बोला था ये डीएनए के प्रॉब्लम में इसका काफ़ी काम होता है तो और ये देखना कि जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनको फोलेट खिलाया जाता है तो मैं इसको ऐसे याद रखता था अपने एज में कि आ, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो नए डी को बर्थ दे रही होती हैं अब नए डीएनए को बर्थ दे रही होती है इसीलिए उनको फोलेट खिलाया जाता है ताकि डीएनए प्रॉब्लम ना आए यू गेट द आइडिया मैं कैसे को रिलेट कर रहा हूँ ठीक है ऐसे बस याद कर सकते हो एंड देन बी ट्वेल्व कोबाला माइन क्या है ये आपको पर्निशियस अनिमिया होता है ठीक है अनिमिया वो हम लोग जब आर बी सी पढ़ेंगे ना तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि सिक्कल सेल अनिमिया पर्निशियस अनिमिया ये सब में अंतर क्या है वहां पर हम लोग देखेंगे ठीक है ठीक है बता दिया गाजिया जी आपको मिल जाएगा

स्कर्वी में क्या कर्वी लिखा हुआ है तो करवी क्या होता है तुमको सी सबसे कैसे याद किया था कि जैसे क्रिकेट का जमाना चल रहा है वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसमें जो तीन विकेट गिरा होता है उसको मैं विजुअलाइज कर लेता हूँ कि वो हड्डी का बना हुआ है इसीलिए विकेट से रिकेट एंड यूपीएससी फ्रॉम बिहार जी पी आर जे लाइव मेरा टेलीग्राम आईडी है उस पर जाइए और अपना वोट लगाइए वहां पे वोट लगाइएगा वहां पे आपको ये मिल जाएगा ठीक है डी हो गया व्हाइटमिनी वाइटमिनी हमने कैसे याद किया था पिछले बार कि जनरली आप देखोगे कि, कि आ, कुछ सीरम वीरम आपको जनरली आपको देखोगे कि आपके घर में जो बहनें हैं या जो भी है वो लगाते रहती हैं ठीक है थीके? अब वो सीरम आपको देखना उसमें जनरली आपको विटामिन ई लिखा रहता है तो उसको याद कैसे करेंगे तो जनरली आप लोग क्या सोचता है कि यार इसको पिंपल्स हो गया ये हो गया तो उसको टोको मत तो मैंने वैसे याद किया कि टोकने वाला जो वाइटमिन है वो कौन है टोकोफेरॉल वो वाइटमिन ई है के क्या होता है के से नाइफ होता है नाइफ काटते हैं तो ब्लड निकलता है तो ब्लड क्लॉटिंग और के से नाइफ तो फाइलोक्विनिन आपको वाइटमिन की हो गया तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा एंड देन वो आ, इसके साथ बीमारी वाला जो कि मैं जनरली बताते गए आपको आ, बेरी बेरी छूट गया था वो वाला होगा और पेलाग्रा बी थ्री होता है आ, तो वो भी आप याद कर लेना मुझे लगता है मैंने इंक्लूड किया था यार वो शायद आगे मिलेगा ठीक है या पीछे छूट गया आ, जहां भी होगा आगे मिलेगा तो देख लेंगे हम लोग ठीक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट ओवर जनरेशंस बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा चलो अब बी और सी होता है आर के समन ये मैंने आपको आई डोंट नो आपने ध्यान दिया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको किया था ये वाला चीज कि तब तक मैं आर के समल जी को कुछ बता रहा हूं आप लोग ट्राई करो इसका कि सिल्क का जो कीड़ा होता है वो देखा होगा आपने कि वो खा खा के इवेंचुअली मोटा हो जाता है ठीक है और खा के मोटा हो जाता है तो कीड़ा फैट मोटा से फैट ठीक है तो ये कीड़ा आपको फैट हो गया कीड़ा क्या ई वाइटामिन डी वाइटामिन हो गया वाटर सोलिबल हो गया ठीक है बी के सारे बी वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन तो अब आपको uh, आपको यू गेट द आइडिया कौन पूछा था आर के समल जी पूछा था तो आप समझ गए इसमें आ, कौन सा वाटर सॉल्युबल होगा कौन सा आपको फैट सॉल्युबल होगा ठीक है प्रिया ये नया नाम दिख रहा है मुझे थ्रू इवोल्यूशन अच्छा, क्या होता है तो आप आइडिया आप लोग को हो होगा कि इवोल्यूशन में होता क्या है कि हम लोग बेसिकली चलो जब आएगा तब देखेंगे डी सब लोग सही जा रहे ठीक है तो अडाप्टेशन में हम लोग क्या होता है कि जब हम लोग अपने बॉडी में कुछ नया ट्रेट्स को अपने सिचुएशन के हिसाब से ढालते हैं तो उसे अडाप्टेशन कहते हैं जैसे मैं आपको आपके लाइफ में एग्जाम्पल समझा रहा हूँ हर दिन आप लोग छः घंटा पढ़ते हैं कुछ अभी ऐसे कंखी मार रहे होंगे कि नहीं सर मैं छः घंटा नहीं मैं तो दो ही घंटा पढ़ता हूँ <laughs> रिकार्डलिस्ट ठीक है आ, आप हर दिन छः घंटा पढ़ते हैं ठीक है अब जब छः घंटा आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है आपको एग्जामिनेशन आता है तो उस समय आप कितना पढ़ते हैं उस समय आप शायद पढ़ते हैं ग्यारह घंटा दस घंटा तो आपने क्या किया अपने आप को समय के हिसाब से अडाप्ट कर लिया मतलब आप अपने अंदर चेंज लाए अब ये चीज परमानेंट हो जाएगा तो ये आपको होता नहीं नेचुरल सिलेक्शन ये बहुत मतलब लेमैन का एग्जांपल समझा रहा हूं अगर आप जैसे असली में जब हम लोग बात करें तो जैसे मान लो जिराफ का ही एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको जिराफ का एग्जाम्पल लिया हुआ है कि उसका गर्दन इतना लंबा क्यों है आपको वो कभी छोटा जानवर रहा होगा उसको जो पत्ता पसंद होगा वो हमेशा ऊपर थोड़ा ऊपर वाला डाली पे रहता होगा तो खाते खाते वो मिलियंस ऑफ ईयर में वो अपना ट्रेड डेवलप किया क्या अडाप्ट करना शुरू किया कि वो हमेशा अपना सर को ऊपर रखा अब उससे होते होते नेचुरल सिलेक्शन हुआ कि आ, आ, इसका गर्दन लंबा होने लगा और इवेंचुअली उसका फिर इवोल्यूशन हो गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका गर्दन ही लंबा हो गया तो अडाप्टेशन और इवोल्यूशन कैसे लिंक्ड है ये मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा था ठीक है तो प्रोसेस बाय ऑर्गेनिज्म डेवलप ट्रेट ट्रेट दैट मेक देम बेटर जैसे अब ये आपको फिजिकल भी हो सकता है जैसे जिराफ वाला मैंने आपको बताया तो वो फिजिकल भी है बिहेवियर क्या हो सकता है हम लोग तो ठंडा में जाके नहीं सोते हैं लेकिन भालू भाई साहब छह महीना के लिए सो जाते हैं हाइबरनेट करते हैं तो वो उनके बॉडी में कोई चेंज नहीं आया लेकिन उनके बिहेवियर में चेंज आ गया वो हाइबरनेट कर रहे हैं ठीक है आ, कुछ बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेट करती हैं वो हैबिट है बिहेवियर है ठीक है अब कुछ जानवर होते हैं ना अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ना अपना वो आ, क्या नाम है बिहेवियर चेंज करते हैं बस ऑलराउंड हैप्पी बर्थडे भाई इनको बोल दो भाई सब लोग थोड़ा बहुत हैप्पी बर्थडे तो आ, कुछ जानवर होते हैं जैसे मान लो नेवला है नेवला को सांप का विष एटलीस्ट हंड्रेड परसेंट नहीं लगता है कुछ मात्रा में लगता होगा तो लगता होगा तो वो उसके इंटरनल सेल्स में ही चेंज हो गया कि वेनम को ना आराम से डाइजेस्ट कर पा रहा हम लोग तो नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं हम हो सके पास्ट में ऐसा होता हो कि नेवले को इतना सांप काटा होगा कि उसके बॉडी ने सांप के अगेंस्ट एंटीवेनम अंदर ही बनाना शुरू कर दिया ठीक है तो इसीलिए आपको क्या होता है कि आपको बिहेवियर और बिहेवियर uh, मतलब माइग्रेशन हाइबरनेशन फिर दूसरा आपको क्या होता है स्ट्रक्चर uh, जैसे जिराफ हो गया जैसे केमिलियन होता है या ऑक्टोपस होता है देखना कि आ, <laughs> ये एक पहले सही बात है आ, वो अपना रंग बदल लेता है वो आपको फिर आपको हो गया लास्ट में हमारा इंटरनल जब चेंज हो जाए ठीक है तो ये आइडिया आप लोगों को लग गया कि कैसे अडेप्टन हो रहा है ठीक अब आता है जैसे हम लोग का अडाप्टेशन है कि हम लोग को आप देखोगे आज भी हमारे बॉडी में आ, टेल बोन है तो टेल बोन क्यों है क्योंकि जब हम लोग एज चिंपांजी होंगे तो ये चारों पे ऐसे चलते होंगे उस समय हमारा टेल था लेकिन जब हम लोग इरेक्ट हो गए तो इस पूछ का एज अ बैलेंस बनाने के लिए कोई काम ही नहीं रहा तो वो छोटा हो गया तो ऐसे हम लोग आपको अडेप्ट कर रहे हैं हो सके वो फिर से गायब हो जाए अपेंडिक्स है अपेंडिक्स का कभी काम रहता होगा आज उतना काम नहीं है ठीक है तो ये हम लोग कैसे धीरे धीरे गायब हो रहे है? हो सके आ, क्या नाम है दस मिलियन साल बाद हमारा जो कैनाइन है ये गायब हो जाए क्यों क्योंकि हम लोग अब चीड़ फाड़ करना बंद कर दिए हैं अब या तो ग्राइंड करते हैं या तो सिर्फ काटते हैं ठीक है थीके? तो वही शेर का कनाइन देखो जाके बहुत बड़ा है तो अलग अलग तरीके से हम लोग अडाप्ट करके इवॉल्व कर रहे हैं अडाप्ट कैसे किए क्योंकि हमने लोगों चीड़ फाड़ करना बंद कर दिया अब हम लोग खाना कुक करके बनाते हैं तो अडाप्ट कर गए अब उसका इवोल्यूशन क्या होगा कि इसका यूज कम हो गया यूज कम हो गया तो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा तो ऐसे ये चीजें काम कर रही है ठीक है तो वो डेफिनेशन दे दिया आ, समझा तो दिया ही है आप आ, पढ़ लोगे तो अब आप आपको अपेंडिक्स अपने लिख बोल रहे हो आप तो ये आप समझ गए ठीक है अब व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पेटल्स इन द फ्लावर बताओ भाई पेटल्स का काम क्या होता है यार ये पॉल्यूशन तो गले को खा जाएगा यार थोड़ा पेटल्स इधर भी बांट दीजिए मनु जी यहाँ के क्वेश्चन पे क्योंकि ये भी क्वेश्चन कुछ फ्लावर को लेके ही है भी वहां फ्लावर ही बांट रहे हैं जेनित और नीलिमा आप लोग एकदम सही लाइन पे हो ठीक है और भी आओ यार जल्दी जल्दी आंसर दो इसके तरह अब आ रहा अब सही है आप लोग का लेट आंसर क्यों आता है आप लोग तुरंत आंसर मारा करो यार सब सही है तो ठीक है इसमें डिस्कस करने वाला कोई बात नहीं है पेटल्स में आपको कलर्स uh, होते हैं जो कि इवेंचुअली पोलिनेटर्स पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं पोलीनेटर्स आते हैं और पेटल्स से आपको uh, बांट देते हैं सब कुछ नहीं भाई पेटल्स बहुत अट्रैक्टिव टूल है वो जाल है आपको जो मेन माल मटेरियल है वो आपको एंथर पे ठीक है जिसपे कि पोलिन पोलिनग्रेन्स रहेगा और वहाँ से वो एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूट होता है आइधर वो चिपक जाएगा या वहीं पर स्प्रेड हो जाता है और अगर मान लो ऐसा फ्लावर है जो कि उसी पेड़ पे अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है तो उसी पेड़ पे हो जाएगा और वो, वो हम लोग बाद में देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ठीक है आइडिया आपको लग गया कि पेटल्स बस एक जाल है आपको पॉलीनेटर्स के लिए ठीक है विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स एंकर इट टू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन ये तो बहुत ही ईजी है ठीक है मैं आगे बढ़ू क्या ये मुझे लगता है सभी सही बना देंगे तो क्योंकि अब आंसर मैं बोल दूंगा तो आप लोग सही बना दो बताओ हो सके एग्जैक्टली exactly, मुझे एक आंसर सही मिल गया मैं आगे बिकॉज दिस दिस इज क्वेश्चन वेरी इजी ठीक है अब बस हाँ इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या क्या इंफॉर्मेशन है तो आपको जो टैप रूट होता है टैप रूट के तीन सेक्शन होते हैं ठीक है आ, जो हमारे लेवल पर ठीक है आपको एक होता है रीजन ऑफ रूट कैप यहाँ पे आपको ये आपको प्रोटेक्शन क्योंकि हार्ड सॉइल को छेद करना है तो ये इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है ठीक है अब रीजन ऑफ सेल डिवीजन यहां पे आपको क्या होता है कि मेरिस्मेटिक सेल जो होता है वो डिवाइड करते हैं सब वर्ड पे अभी ज्यादा ध्यान मत देना बस समझ लो ठीक है ये सेल डिवीजन होते रहता है तो यहां पे नया सेल बन रहा है ये वही सेल यहां पे क्या होता है लंबा हो रहा है ताकि रूट को अगर ग्रो करना है तो जैसे होता है ना कि हम लोग एक वॉल पे एक दीवार क्या बोलते हैं उसको ईट पे एक ईट पे ईट रखते रहते ताकि वो लंबा होते जाए तो ये चीज लंबा हो रहा है और यहां पे लेकिन यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि सब एक ही टाइप का है यहां पे कुछ नया चीज नहीं बन रहा यहां पे आपको जाके जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है ये यह यहां पे डिफरेंशिएट करने लगता है कैसे ये आपको एक रूट हेयर से फॉर्म में निकलने लगा रूट हेयर का, का काम क्या है तो ये आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा आपको न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए तो ये तीन रीजन को कभी-कभी

और वहां से निकल रहा है तो ये टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस है ये आपको बस याद रखना है ठीक है और मोनोकॉट में आपको जनरली ये रूल नहीं है लेकिन जनरली वाला वर्ड क्योंके क्योंके आएगा क्योंकि क्वेश्चन भी तो जनरली लेके ही आएगा जनरली प्राइमरीली मेनली इस टाइप से आएगा तो मोनोकॉट में क्या होता है फाइब्रस होता है और डाइकोट में आपको टैप रूट होता है ठीक है चलो वॉट प्लांट कैटेगरी टिपिकली हैज अ स्टेम एंड ब्रांचेज एंड इज ऑफ एंड ये इतना पर्टिकुलर हटाओ ये यार बस मीडियम हाइट लिख दो ठीक है बताओ इसका आंसर क्या होगा बहुत इजी है यार ये सब तो बताओ फारूक मनु यूपीएससी जी तपस जी प्रियंका क्या है? प्रिया शशि जी नीलिमा श्रब्स एक्ज एक्जैक्टली सही दी ये बहुत ही सिंपल तो ये हम लोग क्लास फिफ्थ सिक्स में पढ़े थे ऑल्दो सिक्स का तो एन सी आर टी है तो वही वहीं आएगा ठीक है तो ये आगे बढ़ते हैं इसमें टाइम नहीं देना ठीक है बस आंसर आपको ये फोटो आप देख लो इससे समझ जाओगे कि हर्ब्स क्या होता है एकदम छोटा उससे रोज उज उस टाइप का वो श्रब्स आपने बी हाँ श्रब्स हो गया क्लाइंबर क्या हो गया वो जो चढ़ता है टेंड्रिल अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आता है वो ऑल्दो आगे वाला है टेंड्रिल लीफ होता है स्टेम होता है कि क्या होता है और ये एक जैसे अडाप्टेशन का ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है आ, तो ये बताओ ये ट्री हो गया एंड क्रीपर क्या होता है जो जमीन पे जाता है और आ, जो क्लाइंबर है कोई सपोर्ट का लेके ऊपर चढ़ता है ठीक है तो टेंड्रिल आपसे मैंने अभी पूछा क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो कि टेंड्रिल होता क्या है किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है लीफ का स्टेम का या कुछ दूसरा चीज होता हो जो अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन पे बाद में आना होगा चलो वो क्वेश्चन आएगा बाद में तब तब का तब उसको देख लेंगे अभी अपना क्वेश्चन क्या है कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोटेक्ट्स डेवलपिंग बर्ड बिफोर इट ब्लूम्स ये फ्लावर है अपना इसको अभी ब्लूम नहीं हुआ है तपस स्टेम आपने आंसर दिया आ, नहीं आ, आपको वो लीफ भी हो सकता है स्टेम भी हो सकता है ये हम लोग आगे देखेंगे ठीक है इसीलिए मेरा मेन क्वेश्चन पूछने का रीजन था ये बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई थोड़ा सा बैठने नहीं दे यार आज सुबह भी दो घंटे तीन घंटे का क्लास था भी दो तीन घंटे हो हो गए का मेरा हो गया है उफ़ इसका सब लोग डी दे रहे हैं डी क्यों दे रहे हो यार इसका आ, सी चलो एक तो नीलेबाजी सही है फिर यूपीएससी बिहार सही है गाजिया सही है सेपल समझ हो ना सेपल क्या होता है जो फ्लार का आ, आपको पेटल्स के नीचे जो ग्रीन ग्रीन पार्ट जो निकला रहता है उसको सेपल्स कहते हैं अब ये बर्ड खुला तो है नहीं तो ये इसको बर्ड को प्रोटेक्ट करते रहता है तो ये आंसर अपना यहां पे सेपल हो जाएगा ठीक है फिर आता है इन विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम लाइक दैट ऑफ द ग्रासेस डू ग्रासेस में किस टाइप का रूट होता है बस ये बताओ और पानी पीने के चक्कर में पूरे बॉडी पे पानी गिर गया ये तो इजी है यार ये मुझे लगा था तुरंत ही आंसर आएगा इसका बीच चलो आगे बढ़ते ठीक है थीके? ये इजी है मुझे लगता है सबको पता होगा ये बी इसका इजी आंसर है ठीक है पाइब्रेस रूट ये बताओ व्हाट इज आ नॉन लिविंग फैक्टर इन एन इको सिस्टम दैट कैन अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेजम बायोटिक अडाप्टेशन और बायोटिक हैबिटेट मनु आप इसका बी बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन पढ़िए आप लोग नीलिमा आपने बी क्यों दिया आंसर क्वेश्चन देखिए फैक्टर्स के बारे में पूछा जा रहा नॉन लिविंग फैक्टर प्रोसेस नहीं फैक्टर्स क्या है होते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं और वो जो होता है वो आपको इवेंचुअली असर करता है प्रोसेस को जो कि आपको अडाप्टेशन हो सकता है और अगर कोई डिफरेंट प्रोसेस है तो इसीलिए आंसर अपना यहाँ पे आ, आपको अबायोटिक फैक्टर होगा ठीक है अबायोटिक फैक्टर ये मैंने जो समझाया समझे ना आप लोग ने कि जैसे मान लो कोई प्लांट है इवेंचुअली आपको जो सिर्फ शाम में ही निकलता है ठीक है तो उसके लिए अबायोटिक फैक्टर क्या है कि सनलाइट नीचे चला जाएगा तभी निकलेंगे हम लोग मतलब तभी खिलेगा ऐसा फूल या मान लो आपको आ, कोई जानवर है वो आपको तभी बाहर आता है जब पानी बढ़ता है जैसे कि फ्रॉग अदरवाइज वो जमीन में घुसा रहता है तो उसके लिए अबायोटिक फैक्टर क्या हो गया रेन ठीक है तो ये सब अलग अलग फैक्टर जो होता है आपको इवेंचुअली Uh, हमारे इको में अलग अलग तरीके से लोग मतलब लोगों बोल रहा हूं कि एनिमल किंगडम को असर करते रहता है टेम्परेचर तो लाइट वाटर सॉइल एटमोसफेयर विंड टोपोग्राफी सैलिनिटीट्यूड पी एच जोलॉजिकल फ्रेगर अलग अलग तरीके से आप देखोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है विच न्यूट्रेंट इज अंट दैट इज वाइटल फॉर ब्रेन फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ये ईजी भी है और इतना भी ईजी नहीं है अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें गड़बड़ कर सकते हो बताओ सरकार प्रिया संप्रिया जी बताइए इसका आंसर क्या होगा सोचिए मां विच न्यूट्रिन इज अ मैक्रो न्यूट्रिन दैट इज वाइटल फॉर ब्रेन फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ द ये 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 वर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग प्रोटीन के साथ जा रहे हैं सेल मेमरी के बारे में आप लोग ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली में डालना चाहिए नहीं था बिकॉज अभी हमने ये वाला चैप्टर किया नहीं है तो मैंने बस ये वाला क्वेश्चन इसलिए डाल दिया क्योंकि न्यूट्रेंट वाला चैप्टर हमने किया है तो ये वाला चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी मतलब मान कर चलता हूँ कि आप लोग को नहीं पता होगा आंसर वैसे इसका फैट था आप लेकिन जब लिपिड्स वेपिड्स हम लोग पढ़ेंगे तब इसका आंसर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे और ब्रेन फंक्शन में न्यूरो ट्रांसमीटर में इस सब में कैसे काम आता है लेकिन हाँ हा, अभी आपको छोड़ सकते हैं इसका कि वो पढ़ाए नहीं है इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग छोड़ दे रहे हैं ठीक है थीके? जैसे सेल मेमरी में क्या होता है कि आपको लिपिड्स होता है बाई लेयर वो जब आएगा हम लोग तब देखेंगे ठीक है ये क्वेश्चन मैंने न्यूट्रियन के फॉर्म में दे दिए लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि सेल वाला चीज़ अभी नहीं पढ़ा है ठीक है विच न्यू ये भी नहीं ये ठीक है ये हो जाएगा ये बताओ Uh, कोशिश तो ये होता है यूपीएससी बिहार की जितना ज़्यादा क्वेश्चन में वो अटेम्प्ट कर ले, लेकिन जब मेरा पैर uh, थोड़ा साथ देना बंद कर देता है तो हम छोड़ देते हैं ठीक है हाँ uh, चलो पहला आंसर सही आ गया है गाजिया चौब ये बहुत सिंपल था मुझे पता था ऑब्वियसली ये सही आएगा ठीक है तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर आता है विच प्लांट कैटेगरी इंक्लूड्स प्लांट डैट कैन क्लाइंब एंड यूज एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर अपवर्ड ग्रोथ ये भी इजी है यार ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे बताओ नीलिमा क्लाइम सही है क्या लगता है आप लोग को नीलिमा सही दे रही है आंसर या गलत दे रही है डी किसने बोला प्रिया सुब्र नहीं नहीं आ, प्रिया जी डी तो एकदम ही गलत है वो तो लीव का स्ट्रक्चर होता है जो आपने लैमिना बोला Climus, Climus, सब लोग क्लाइमस ठीक है ये इजी है आगे बढ़े क्लाइमस वही जो मैं आपको बता रहा था कि ये सिर्फ स्टेम नहीं होता है ये आपको लीव का भी मॉडिफिकेशन होता है तो ये मेन हमको इस बात से आपको ये बताना था कि आ, जैसे आपको स्टेम किस केस में होता है ग्रेप वाइन में लीव किस में ट्रांसफॉर्म करता है तो पी प्लांट में तो ये एग्जाम्पल आपको आ सकता है ये बस आपको इस क्वेश्चन से सीखना था कि किसमें स्टेम मॉडिफाई हो रहा है और किस में आपको लीफ मॉडिफाई हो रहा है एज एन एग्जाम्पल आपको यहां से मतलब बना के दिमाग में रखना पड़ेगा अदरवाइज आपको कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है सीधे कि कहां पे लीफ मॉडिफाई कर रहा है ठीक है फिर आता है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रिलीज फ्रॉम अ प्लांट थ्रू अ टाइनी ओपनिंग ऑफ द लीव्स ये तो इजी है uh, मजा तब आता जब uh, मैं यहां पे ऑप्शन में गटेशन भी देता था लेकिन सिंस आपको गटेशन अभी पढ़ाया नहीं है इसीलिए ये मैं नहीं दूंगा अदरवाइज तब एक्चुअली में मजा आता लेकिन चलो एक तो सही आ गया और बताओ ए अच्छा आप लोगों को गटेशन पता है कि नहीं है गटेशन होता क्या है देखो जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें जो वाटर निकलता है ना वो आपको वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है और जो गटेशन होता है वो पहला तो जो लीफ का जो मार्जिन होता है ना सिर्फ गटेशन सिर्फ इस मार्जिन से निकलता है ठीक है पहला बात दूसरा वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता है और जो ट्रांसप्रेशन होता है ना वो वाटर वेपर के फॉर्म में निकलता है ये दो डिफरेंस याद करके रखना ये कभी आ सकता है ऑल दो गटेशन हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये अभी इस टॉपिक पे आया तो मैंने बता दिया ठीक है ट्रांसपोरेशन किस किस फैक्टर से डिपेंड करता है ये इजी ऑब्वियसली अगर आपको मौसम ह्यूमिडिटी है तो वो कम निकलेगा क्योंकि वो ड्राई नहीं है इवेपरेट नहीं करेगा फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा इवेपरेट करेगा विंड ज़्यादा है तो तुरंत मॉइस्चर को बहा जाएगा और वो आपको फिर से ट्रांसपेरेट करने लगेगा लाइट ऑब्वियसली उस पर ज़्यादा पड़ेगा तो टमाटा खुलेगा ज़्यादा ज़्यादा ट्रांसपोरेशन का चांस रहेगा ट्रांसपोर्टेशन नहीं यार ट्रांसपरेशन ठीक है वाइस स्टोमेटल ओपनिंग कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है रात में बंद रहेगा या दिन में खुलेगा जब भी हो रहा है ये बहुत सिंपल है ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट है सॉइल मॉइस्चर मतलब अब डेजर्ट वाला प्लांट है तो वो ऑब्वियसली कम ट्रांसपेरेशन करेगा क्योंकि वहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर ही नहीं है कम ही पानी ले पा रहा है तो क्या वो ट्रांसपायर करेगा ठीक है तो अलग अलग टाइप का ठीक है थीके? अलग अलग के पांट आ, प्लांट जो होते हैं वो आ, अलग अलग करते हैं जैसे आपको जीरोफाइट वही डेजर्ट वाला हो गया हेलो फा, हाइड्रोफाइट्स हो गया जो सिर्फ पानी में रहता है तो अलग ये ट्रांसप्रेशन किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है ये हमने यहाँ पे देख लिया ठीक है व्हाट आर द फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन सर्टन ऑर्गेनिजम सच एज सम इंसेक्ट्स दैट एड इन सेंसरी परसेप्शन एंड मूवमेंट थ्रू द इन्वायरमेंट बताओ इसमें से कौन सा होगा सही आंसर नीलम कोशिश हम करते हैं हमेशा सैटरडे को करने का लेकिन आपको भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपने पी आर जे लाइव को ज्वाइन किया हुआ है अगर आप ये ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आ, आ, क्या ब्रिसल्स हाँ एकदम सही हो नीलम आप आ, गाजी आप सही हो ठीक है ये इजी पार्ट था ये एकदम इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं तो सीधे आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ़ कार्टिलेज इज़ रिस्पांसिबल फॉर वोकलाइजेशन एंड साउंड प्रोडक्शन जिसका मेरा भी बैंड बजा हुआ है रिप केज बैक इसे असल में ऑप्शन इतना इजी दे दिया है ना यार ऑप्शन को थोड़ा मुझे टफ बनाना चाहिए था मुझे एक्चुअली फायरिंग भी लिखना चाहिए था तब थोड़ा मजा आता तपस आपको सही में नहीं पता था ये वाला बात ये आंसर लैरिंग्स होता है ठीक है वो लैरिंग्स आपको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको फैरेंग्स के नीचे होता है फेरेंग्स जो होता है वो कॉमन लोकेशन होता है आपको एसोफेगस एंड ट्राकिया के लिए ट्राकििया जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं जिसमें कि हमारा सिर्फ आ, जो हम लोग लंग्स के जाता है लंग्स को जाके ज्वाइन करता है जिससे कि हम लोग लो इनहेल करते हैं ठीक है थीके? और उसको एपिग्लोटिस कवर किया रहता है जिससे जो हमारा फ्स जो कॉमन ओपनिंग है दोनों के लिए वहां से खाना हम लोग सॉलो कर रहे हैं तो विंड पाइप में ना चला जाए तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अराउंड रहता है एंड दिस इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स ठीक है फिर इन ह्यूमन बॉडी वॉट पार्ट कनेक्ट द स्कल टू द बैक बोन एंड अलाउज फॉर द हेड मूवमेंट स्कल टू द बैकबोन कौन सा होगा इसका आंसर केज कैविटी यार ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया इसको हटा दो बहुत बेवकूफी हो गया ठीक है वॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक द स्टर्नम स्टर्नम आई होप आपको जो स्केलेटन वाला बॉडी पढ़ा था हमने तो उसमें हमने ये वाला पार्ट किया था ठीक है स्टर्नम फॉर्म्स सेंट्रल सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर द चेस्ट एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट ऑफ द केज एक तो जैसे मैंने आपको बताया था जो रिप केज होता है ये तीन चार जगह जाके जुटता है तो आपको असल में पता है ये क्वेश्चन का मैंने वर्बेटिम थोड़ा गलत किया हुआ है क्योंकि जो नीलिमा ने आंसर दिया है वो एक्चुअली में सही दिया है लेकिन वो परफेक्टली सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन सिक्स मतलब लिखा नहीं हुआ है असल में मैं लिखना ये चाहता कि स्टर्नम तो आपको रिपकेज को आगे जोड़ता है लेकिन ये पीछे जाके कहाँ पे जोड़ता है उसके हिसाब से आपको आंसर बैकबोन होता आइडिया मेरा ये था कि आपको जो रिगबोन जो रिपकेज होता है वो आपको आगे में स्टर्नम से जुटा होता है और पीछे में बैकबोन से जुटा होता है लेकिन सिंस मैंने इसको ठीक से वर्बला मतलब कि पुट नहीं किया है इसीलिए लिए आ, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग निगलेक्ट ने, ने, कर सकते हैं लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको जो समझाया ठीक है उसके हिसाब से आप समझ गए कि मैं पूछना यहाँ पे क्या चाह रहा था कि जनरली हमको लगता है कि जो अपना रिपकेज है सिर्फ आगे स्टर्नम में से जुटा रहता है और पीछे कहीं जुटा नहीं रहता है तो ये हम मिस गलती कर जाता है लेकिन पीछे ये बैकबोन से जुटा रहता है ठीक है आइडिया ये था लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा गलत टाइप से हुआ ठीक है वैसे आप लोग जो रिपकेज जो लोग आंसर दे रहे थे वो लोग सही है लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा था वो दूसरा चीज पूछना चाह रहा था ठीक है विच ज्वाइंट इन द बॉडी ऑफर्स द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन ये बहुत ईजी है तब से हम लोग uh, कर चुके हैं शोल्डर होगा इसमें ठीक है क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट होता है मैंने आपको बताया था तो इसका आंसर सीधे uh, वो करते हैं सी मार के आगे निकलता है ठीक है और ऑब्वियसली डेफिनेशन uh, दिया हुआ है विच वाटमिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फरस ये बताओ ये अभी तक इस पहलू पे हम लोगों डिस्कस नहीं किया है ये आपको पता है कि नहीं पता है? सही है इस पर आगे बढ़े ये ईजी है ठीक है फिर अच्छा ये आ, ए, क्योंकि एक बार बिहार में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है बिकॉज जब ये क्वेश्चन आया था तो ये उस समय मुझे भी नहीं पता था ये वाला बात आ, लेकिन सिंस अब आ गया नहीं मैं आपने सी और डी कर दिया क्यों अच्छा वो वाइटामिन डी लिखा है आ, वो आ, वो क्या नाम इसका आ, वा ये, ये जब आ गया था तो मैंने रट लिया अदरवाइज जब आया था ये क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता था ठीक है डी को हम लोग क्या कहते हैं अर्ग कैसेफॉल और वाइटामिन डी कोल कैसे

रिंकल्स हो जाएगा स्किन खराब हो जाएगा इस टाइप से वाला वो वाइट वाइटामिन बोल रहा हूँ अल्ट्रा वायल्ट ए होता है अल्ट्रावाट बी जो होता है वो हमारा वाइटामिन डी बनाता है अल्ट्रावाइलेट सी जो होता है वो नाइन्टी परसेंट आपको जो ऑक्सीजन बोल रहा हूँ क्या होता है वो ओजोन ओजोन उसको रोक लेता है तो सी को मेन रोकता है बी हमारा वाइटामिन डी बनाता है ए जो होता है हमारा वो आपको एजिंग वेजिंग करता है ठीक है तो ये याद रखिएगा मैंने आपके लिए डिटेल दे दिया यहाँ पे लेकिन ये क्वेश्चन अभी उतना नहीं आता है लेकिन फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट होते हैं तो ये सब उतना भी नहीं आया हुआ है तो इसीलिए कौन कौन सा कर रहा है ये ये हमारा डी बनाता है ये आपको ओजोन रोक लेता है ये अगर आएगा तो ये तुरंत कैंसर कर देगा और ये अपना आपको एजिंग या रिंकल्स या झुर्रिया जो होता है ना वो इससे होता है ठीक है चलो विच एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंजाइम हॉर्मोन्स And can be found uh, uh, found in the food like lean meat, fish, and legumes. Easy, This is very easy. Hai. नीलिमा आपका पढ़ाई बहुत सही चल रहा है मैं इतना बोल सकता हूँ इसलिए नहीं कि आप सही आंसर देती हो सही तो आप बहुत और भी लोग दे रहे हैं आ, लेकिन आप बहुत तुरंत आंसर देती हो तो मतलब आप सही कर रही हो ठीक है आंसर इसका प्रोटीन होगा ठीक है फिर आता अपना विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिपिकली हैज अ पार्ल विशन इन इट्स लीवस ये क्वेश्चन हमने इनडायरेक्टली किया था अब बताओ इसका आंसर क्या हाँ आप लोग भी सही हो मार्टन शशिभूषण गाजिया गाजिया का एक बात है कि ये हर दिन क्लास आते हैं ये इनका बहुत सही बात है सही है ऋतिका ये अग्रवाल ये आप इसका आंसर दे रही हैं क्या मतलब आ, न, क्योंकि पिछले का भी आंसर वही था अमीषा uh, 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 निलिमा ये सही है uh, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से बाहर है तो मैं अभी यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ ठीक है गाजिया डी टंडी सब लोग सही जा रहे हैं ठीक है ठीके? क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी किया था तो इसमें टाइम नहीं देना ठीक है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट्स एंड इवेंचुअली डेवलप्स इंटू अ फ्रूट पहले तो ये इन्फॉर्मेशन भी इस पर भी क्वेश्चन आता है कि ओवर uh, ओव्यूल्स जो होता है वही जाके आपको फ्रूट्स बनता है वो ऑब्वियसली फीमेल पार्ट का पार्ट होता है लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फीमेल पार्ट इसमें है क्या नहीं 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 अमीशा ये मैंने आपको अगर आपने पिछला क्लास किया होता तो मैंने ट्रिक दिया हुआ था इसी के लिए मैं ये सब में ट्रिक देता हूं कि देखो स्टेमेन में क्या लिखा हुआ है स्टे एम ई एन मैन मैन लिख दिया तो ये फीमेल कैसे होगा ठीक है ना इसको ऐसे ऐसे याद रखना ठीक है क्योंकि स्टेमेन में मैन लिखा हुआ है इसीलिए ये मेल पार्ट होता है और मैंने आपको स्टाइल स्टिग्मा आ, से आपको भी याद दिलाया था कि आ, अपने सोसाइटी में जो होता है गर्ल्स को जनरली बहुत स्टिग्मिक स्टिग किया जाता है ठीक है खासकर रूरल एरिया में तो ये लाइन जो बोला ये क्या सीधे बोल देता है कि ये फीमेल हो गया। तो स्टाइल, ओवरी, फिर आता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैमिना इन अ लिफ लैमिना सीड लैमिना कैप्चर सनलाइट फॉर द फोटो सेंसे लेटर फॉर द प्लांट याद रखिएगा ये लैमिना एंकर्स स्टेम भाई लोगों मैं इंग्लिश में जीरो हूँ मेरे अच्छा आप यार ऐसा मुझे लगा कि आप गाजिया हमेशा आते हो यार मुझे ऐसे मुझे आप, आप, आप हर दिन क्लास अटेंड नहीं करते हो क्या मुझे तो लगता है कि आपको हमेशा देखता हूँ मैं जो भी हो यार ये तो अजीब सी बात है याद मैंने सकल किया है मुझे पता था कि ये दिक्कत आने वाला है इसीलिए मैंने सकल किया था प्राइमरी फंक्शन जो आप लोग ने बी मारा है वो एग्जैक्टली exactly वो भी फंक्शन है इसमें कोई शक नहीं है आ, 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 लेकिन आपको एक फंक्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैमिना के लिए क्योंकि वो ही वो काम कर सकता है और नहीं कोई करता है देखो ये पानी स्टोर करके करेगा क्या वो पानी पीता थोड़े ग्लास से पानी क्यों स्टोर करता है वो पानी स्टोर करता है ताकि वो वॉटर को लेके कार्बन डाइऑक्साइड को लेके सनलाइट को लेके यहां पे ग्लूकोज ग्लूकोज आप यार ग्लू बनाए ठीक है तो जो उसका प्राइमरी फंक्शन है वो उसका फोटोसिंथेसिस है जिसके लिए वो पानी स्टोर करता है ठीक है तो ये याद रखना नहीं क्या नाम है आप कौन थे फारूक नहीं यार वो एंकर्स वाला पार्ट तो अपना पेटियोल था ना वो वो लीव को बेसिकली सपोर्ट देता है तो जो मेन फंक्शन लैमिना का होता है कि सारे उसके पूरे ऊपर वाले सरफेस पे आपको क्लोरोफिल uh, होता है क्लोरोफिल जो होता है वो पानी को यूज करके इवेंचुअली फोटोसिंथेसिस करता है तो आई होप आप लोग समझे होंगे मैंने ये आंसर क्यों नहीं लिया जबकि ये गलत नहीं है लेकिन ये वर्ड जैसे हम जोड़ते हैं तब अपना आंसर ये हो जाता है ठीक है तो ये बात समझिएगा क्या बोलना रहा था मैं ठीक है जैसे मैं अगर ये बोलूं कि लीव के पास क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो पानी कभी लेगा उसको पानी का कोई काम ही नहीं रहेगा वो पानी ही इसलिए लेता है ताकि वो खाना बना सके खाना बनाना उसका मेन पर्पस है इसीलिए वो आपको आ, वो थर्ड आंसर होगा ठीक है एग्जैक्टली एस के पाटिल एम जी आपको क्लोरोफिल फिर आता है वॉट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इन द ये तो हमने किया था ठीक है आ, फिर वॉट इज द प्रोसेस ऑफ वॉटर फॉलिंग फ्रॉम द एटमोसफियर टू अर्थ सर्फेस इन वेरियस फॉर्म सच एज रेन स्नो स्लीट एंड हेल हा मकबूल आइडिया तो यही है कि हम सारा एनसीआर टी पढ़ेंगे भी और सारे एनसीआरटी का एम सी क्यू भी सॉल्व करेंगे एज यूजल पहला आंसर हमें मिल चुका है एंड मोस्ट डेफिनेटली आपको हमेशा यहाँ सही मिलता है प्रेसिपिटेशन ठीक है नहीं इन्फिल्टेसन नहीं है एस के पाटिल प्रेसिपिटेशन होता है कि मॉइस्चर अर्थ पे डिफरेंट फॉर्म में जब गिरे तो उसको हम लोग जैसे ये ये सारे क्या ये सारे मॉइस्चर है ये सीधे रेन गिर रहा है वाटर के फॉर्म में ये आपको आ, फ्रीज होके गिर रहा है और uh, ये स्लीट आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर है हेल आपको जो ओला गिरता है वो भी वाटर ही है लेकिन बर्फ के फॉर्म में गिरता है तो लास्ट में सारे वाटर गिर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ठीक है इसीलिए आंसर ये होगा मुझे लगा नहीं था कि इसमें बहुत लोग गलत करेंगे लेकिन काफी डिफरेंट आंसर आ गया इनफेक्ट अभी तक एक ही आंसर सही आया अब दूसरा सही आंसर आया ठीक है और गाजिया नहीं ये भी नहीं होगा कंडेंसेशन तो आपको होता है कि बस लिक्विड जो वेपर फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्थ सरफेस पे गिर रहा है अगर मान लो कोई हवा में लिक्विड फॉर्म में बस हवा में ही तैर रहा है जो बादल क्या होता है वो लिक्विड ही फॉर्म में तो तैर रहा है वो थोड़े आपको गैस फॉर्म में होता है लेकिन इवेंचुअली जब ये आपको नीचे गिरेगा इन फॉर्म के फॉर्म में गिरेगा और इस प्रोसेस को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं ठीक है फिर आता है विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमोसफेयर ऑल दो इट मेक्स अप रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन ऑफ इट ये तो ईजी है यार इसको आगे बढ़ते हैं ये हमारा लास्ट चैप्टर था एयर अराउंडस उस, उससे लिया तो ये तो ईजी है नितेश यार सॉरी यार मुझे भी नहीं पता हिंदी उसका नाम क्या पता है प्रॉब्लम पता है क्या होता है मैं आपको जो भी अपना क्वेश्चन बना रहा था मैं उसका गूगल ट्रांसलेट से हिंदी लिख भी रहा था लेकिन साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गूगल ट्रांसलेट बुरी तरीके से फ्लॉप करता है बहुत बुरी तरीके से बिकॉज आप और कोई भी सब्जेक्ट ले लो पॉलिटी ले लो हिस्ट्री ले लो या कोई भी ले लो उसमें आप आराम से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो बट इन साइंस दे आर सो मेनी टर्म्स जिसको जैसे मैं बता रहा हूँ बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट था ना जो हमारा उसका हिंदी ट्रांसलेट पता है उसने क्या किया था कि गेंदा हिंदी में लिखा हुआ था गेंदा एंड कुछ सॉकेट का भी अजीब सा था तो वो वैसा ट्रांसलेशन आपके लिए लाता मैं तो वो और भी ज़्यादा खराब होता इसीलिए मैंने देखा कि जब इतना गंदा ट्रांसलेशन हो रहा है तो उसको छोड़ ही दो ठीक है इन हम लोग क्या ये इजी था ठीक है ये तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग ठीक है जस्ट बिकॉज टॉपिक ये पढ़ा था हमने और ये दिखाना था सेवेंटी आपको ऑक्सीजन होता है अच्छा थर्ड पर क्या होता है जरा बता दो थर्ड पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना पहला तो आपको नाइट्रोजन हो गया दूसरा ऑक्सीजन हो गया और तीसरा क्या होगा तीसरा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है ना नहीं भैया तीसरा आर्गन होता है ठीक है पॉइंट नाइन थ्री परसेंट ठीक है ये बहुत लोग गलती करते हैं इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया ये गलती आप लोगों को नहीं करना है ठीक है व्हाट इज द टर्म फॉर अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड मीट्स इट्स बेसिक नीड्स इंक्लूडिंग फूड वाटर एंड शेल्टर रेस्पिरेशन बायोटिक कॉम्पोनेंट हैबिटेट एंड द रिप्रोडक्शन Tell me, people, tell me what will be the answer. Exactly, ma, uh, Martin. Amisha ji, ekdum sahi hai, sahi hai. अरे सही से मुझे याद आया वो अपना एक सीरियल आता है ना जो अरे क्या भाभी जी घर पे नहीं क्या क्या यार तो, उसमें मस्त वो जो औरत नहीं है वो बोलती है सही है नहीं सही है नहीं नहीं सही कह रहे हैं ये बोलती है सही कह रहे हैं वही है हाँ प्रेरणा जी सही कह रहे है। हाँ, है क्या होता है कि जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली अडेप्टेड होता है टू इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स शेल्टर तो वो वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर चुका होता है ताकि वहाँ पे उसे खाने को सब कुछ मिले और उसको रहने के लिए सेफ एंड ड्यूरेबल इन्वायरमेंट मिले अब मान लो uh, जो डेज ऊँट को अगर हम रहने लगे इक्विटोरियल फॉरेस्ट में तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएगा बिकॉज वो उसके लिए हैबिटेट नहीं है उसको uh, अगर अच्छे से रहना है तो वो डेजर्ट ही हो जाएगा ठीक है तो हैबिटेट वाला आंसर अपना वही है कि हैबिटेट इज अ साइंटिफिक एनवायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड फाइंड रिसोर्स ये दो वर्ड मेन इंपॉर्टेंट है हमेशा याद रखेगा शेल्टर एंड फूड ये बेसिस बनता है हमारे हैबिटेट का कि हम कहां रहने वाले ठीक है इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम वट वुड बी द कंसिडर्ड एज बायोटिक कॉम्पोनेंट सॉयल टेम्परेचर ट्रीज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रेनफॉल एंड पैटर्न बताओ इसमें कौन होगा यस अमीशा चौधरी जी वो मिलता है इस जगह पे ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को जान लीजिए और यहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी so. सही है सब लोग सही जा रहे हैं सी सही है हाँ सब लोग सही जा रहे हैं ठीक है थीके? ये जी था ट्रीज बर्ड्स एंड कॉम्पोनेंट बायोटिक कॉम्पोनेट हो गया हमने अबायोटिक वाला इसके पहले किसी क्वेश्चन में देखा था तो अबायोटिक था जो कि नॉन लिविंग था जिसमें कि टेम्परेचर जियोलॉजी रेन एयर स्टोन कुछ भी आ जाएगा जो नॉन लिविंग थिंग था तो वो अबायोटिक था ठीक है फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबायोटिक फैक्टर इन एन एक्वेटिक हैबिटेट फिश एल्गी वाटर टेम्परेचर कोरल रीफ बताओ बच्चो बताओ बताओ यार आप लोग कम से कम नीलिमा के लिए कोई ऐसा आता है क्या यार कोई इमोटिकॉन जिसमें प्राइज वाइज देता हो मुझे तो पता भी नहीं मैं तो बस वही एल ओ एल और कुछ वो अपना होता नहीं है गुस्सा उससे वाला जानता हूं अगर कुछ ऐसा आता है इमोटिकॉन जिसमें प्राइस वाइज देता है तो नीलिमा को दो यार ये तब से पहला आंसर देती है और नाइन्टी फाइव परसेंट इसका आंसर एकदम सही जाता है तो प्लीज इसको इतना तो बनता है यार अगर मेरे पास ऐसा कुछ दामने को यहां पे होता तो मैं ही दे देता ठीक है अब है नहीं तो कम से कम मेरा काम आप लोग कर दो यार तो आप लोग क्या बोल रहे हो वाटर टेम्परेचर हाँ सब लोग सही जा रहे हैं तो इसका आंसर वाटर टेम्परेचर है ठीक है कि ये नॉन लिविंग पार्ट है ठीक है फिर वॉट प्रोसेस इनवॉल्व द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग विथ जेनेटिक वेरिएशन ये दीपा सिंह आप इसका सी बोल रही हैं या पुराना सी बोल रही हैं? एग्जैक्टली exactly यार कम से कम मार्टन ने मेरा बात सुना यार सही है मार्टन जी आपने तो एकदम तो तो चैलेंज उठा के ले लिया यार इलिमा जी निलिमा जी पढ़ो ठीक से यार ये तो आ रही नहीं हो गया अभी आपको फर्स्ट प्राइज मिला उसके बाद ही आपका आंसर गलत हो गया क्वेश्चन पढ़ो ठीक से uh, दीपा क्या दे रही है रिपोर्डक्शन हाँ दीपा आप भी सही हो uh, मार... नहीं मार्टन जी आपने सही दिया था यार ये क्या कर रहे हो आपने दिया था ना इसका आंसर बी uh, की पुराना दिया था कोई uh, सी सब लोग सी क्यों देख रहे हैं क्वेश्चन पढ़ो व्हाट प्रोसेस इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग ये लाइन ये इनफ नहीं है आपको आइडिया देने के लिए विथ जेनेटिक वेरिएशन सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन किस में आता है sexual में आता है असेक्शुअल किस में होता है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है. इसको इसको कंबाइन करो सिर्फ यही आएगा आंसर ठीक है फारूक ने भी नीलिमा के लिए ताली बजा दिया चलो ठीक है ये समझ गया ना आप लोग आप लोग आई डोंट नो सी क्यू पकड़ लिया था लेकिन आइडिया लग गया इसमें बी आंसर क्यों होगा चलो अब आगे बढ़ते हैं वॉट इज द टर्म फॉर द फिजिकल सराउंडिंग एंड कंडीशन दैट प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ इसमें मुझे पता दो आंसर बहुत आने वाले हैं अरे नहीं सॉरी क्यों बोलना है यार शुरू में मुझे लगता है सही आंसर दिया था इसमें दो आंसर मिक्स होने वाले हैं एक आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा कि सही है कि गलत है आप लोग देखता हूं कि और किसके किसके सही आते हैं किसके गलत आता है दो आंसर दीपा सिंह क्या बोल रही है, है अडाप्टेशन होगा नितेश बोल रहे हैं अडेप्टेशन होगा गाजिया भी बोल रही है अडाप्टेशन होगा यहां पे तो तीन का पलरा भारी हो गया है ऊपर के दो पे अब देखते हैं कि जीतता कौन है एंड द विनर इज डी आप लोग ने क्यों मारा ए तो मुझे उम्मीद ही नहीं था कि ए आपको आंसर होगा, because मुझे लगा था आप लोग फंसोगे एंड डी क्यों आंसर होगा पहले हम लोग उस पर हैं, देखो क्वेश्चन क्या था वट इज द टर्म फॉर द फिजिकल सराउंडिंग प्रोसेस थोड़े पूछ रहा है प्रोसेस पूछेगा आपको तब ना हम लोग बोलेंगे कि अडेप्टेशन होगा ये प्रोसेस नहीं है हमसे सराउंडिंग के बारे में पूछ रहा है तो मुझे लगा था कि कुछ लोग अबायोटिक मार देंगे तो उसमें मैं बोलता कि अबायोटिक सराउंडिंग नहीं होता है वो फैक्टर्स होता है वो सराउंडिंग का एक कंपोनेंट होता है लेकिन जब हम लोग सराउंडिंग जब बोल दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे अबायोटिक फैक्टर आ जाएंगे और वो कहाँ पे होगा वो हैबिटेट में होगा जिसमें अबायोटिक फैक्टर भी होंगे बायोटिक फैक्टर भी होंगे इसीलिए नीलिमा और मार्टन जी जो शुरू में दिए थे वो सही था और फारूक अभी दे रहा है ये डी आंसर सही है लॉजिक समझ में आया ना क्यों आपको डी सही हो रहा है और ये नहीं इंक्लूड हो रहा है ये बस समझना पड़ेगा और ये क्यों गलत है क्योंकि ये तो प्रोसेस है ये कोई आपको आ, मतलब सराउंडिंग नहीं है समझ रहे हैं तो इस हिसाब से अपना आंसर हैबिटेट है ठीक है फिर आता है इन सर्कुलर मोशन व्हाट टर्म डिस्क्राइब द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग ये तो बहुत ही सिंपल है स्टाइल <laughs> में ये बहुत ईजी है यार असल में इसमें भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि लोग फंसेंगे नीलिमा का आंसर आ चुका है देव का भी आंसर आ चुका है सब लोग सही जा रहे हो ठीक है मुझे डर था कि आप लोग सेंटर ऑफ मास ना डाल दो ठीक है? आंसर अपना एक्सिस होगा जो रोटेट करता है वो एक्सिस के फॉर द्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इन ईच इंटरवल रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन अब आ, ये क्वेश्चन मैंने बस इसलिए दिया है क्योंकि आप किसी को वेक्टर का पता है कि नहीं पता है? उसके हिसाब से बताओ भाई और लोग भी बताओ सही जा रहा आप लोग ठीक है ना समझ रहे क्वेश्चन को क्यों पूछा गया है वैक्टर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है बस ये आइडिया ये है कि वो आप लोग बताओ सह लोग सही जा रहा है ठीक है फिर विच आर द फॉलोइंग एस आई यूनिट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये बताइए ये भी ज्यादा टफ तो नहीं है आ, आ, आराम से आप सोच के बता ही सकते हो यार इसमें टाइम क्यों लगा रहा हो आप लोग ये तो बहुत ईजी था डी चलो सही जा रहा है ठीक है एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी आप याद रखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जरूरी नहीं कि एक्सेलरेशन uh, में आपको स्पीड को ही चेंज होना हो डायरेक्शन भी चेंज होता है तो आपको वो एक्सेलरेशन होता है जैसे कि कॉन्स्टेंट स्पीड से नाश्ता हुआ सर्कुलर मोशन मान लो मतलब कि इस पे जो भी चीज नाच रहा है मुझे नहीं पता क्या नाच रहा है आ, उसका स्पीड सेम है मान लो दस मीटर पर सेकेंड स्पीड से नाच रहा है ठीक है लेकिन हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन अलग हो रहा है तो डिस्पाइट स्पीड सेम होते हुए स्टिल वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है क्यों क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सेलेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां पे वेलोसिटी हो गया तो वो एक्सेलरेट हो गया एंड सर्कुलर बॉडी में एक्सेलेशन कहां होता है सेंट्रिपेटल फोर्स इधर होता है तो एक्सेलेशन उधर है ठीक है अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से नाच रहा तब ठीक है तो ये हो गया आंसर अब ये फिगर आया तुम लोग को अभी समझाओ कि नहीं समझाऊँ ये फिगर मैं छोड़ देता हूँ क्लास सेवन के चैप्टर नाइन्थ या टेंथ में ये वाला फिर से आने वाला है मैं वहां पे समझा दूंगा क्योंकि अभी इसको समझाने जाऊंगा तो मुझे पता है कि बहुत टाइम लग जाएगा और अननेसेसरी डिले हो जाएगा ठीक है तो वो क्लास आप लोग देख लेना वहां पे मैं समझा दूंगा ठीक है कि क्यों ये सब डायग्राम अलग अलग होते जा रहे हैं बहुत अच्छा डायग्राम है ये इससे हमको प्रॉपरली पता चलता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है ठीक है इन सर्कुलर मोशन वट इज द टर्म फॉर द टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन अराउंड द सर्कल या एकदम एकदम ये सब देखो बस छोटा छोटा डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है ये अगर हमें पता है तो हाँ, गुड इवनिंग सुंदरम सिंह गुड इवनिंग तो ये आंसर बताओ इसका क्या होगा बताओ सुंदरम हो, आप ही आए आप एंट्री मारो धांसो एंट्री मारो सही आंसर मार के ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्लास सिक्स का एकदम बेसिक्स वाला बात है सही है सब लोग सही जा रहे हैं ठीक है पीरियड होता है ठीक है फिर आता है ये मैंने डेफिनेशन दे दिया कि फ्रीक्वेंसी और पीरियड में क्या अंतर होता है तो आपको तो पहले तो इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी का हर्ड होता है तो मेन ये बात है कि हाई फ्रीक्वेंसी इंप्लाइज दैट एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स मेनी साइकिल्स तो इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम फ्रिक्वेंसी और हर्ड्स का मतलब क्या होता है ये होता है और पीरियड क्या क्या है कि पूरा रोटेशन करने में उसको कितना टाइम लगा वो पीरियड होता है और हर सेकेंड में वो कितना कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है तो ये डिफरेंस होता है इसलिए मैंने ये यहाँ पर मैंशन कर दिया विच आर द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ये बहुत ईजी है यार ये मैं मैं ही मार दे रहा हूँ यार इसमें क्या आप लोग क्योंकि अपना लास्ट चैप्टर ही सब इतना ईजी ईजी है मैग्नेट वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला उसमें बस ये सब बताया हुआ है कि कंडक्टर क्या होता है इंसुलेटर क्या होता है ये सब ठीक है फिर आ, ये भी ईजी है चलो लेकिन आप ही लोग ट्राई कर लो वेन अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज अलाउड टू मूव इट अलाइंस विथ बताओ ठीक है इसको आगे बढ़ते हैं यार बताओ भाई पिछली बार तो मैंने किससे परमिशन मांगा था मुझे याद भी नहीं आ रहा नीलिमा जी आप ही परमिशन दो यार कि आगे बढ़े कि नहीं बढ़े आपने ने बी फिर से लिख दिया आपको लिखना था यस yes, सर आगे बढ़िए चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है uh, फिर विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एमिट्स लाइट वन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट हाँ चलो ठीक है ये तो इजी है यार आप लोग समझ हम लोग क्लास सिक्स को सॉल्व कर रहे हैं अभी जब क्लास टेन में पहुंचेंगे तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड काफी ऊंचा हो, तो हो और 11, 12 तो काफी ही ऊंचा होगा ठीक है सब लोग सही जा रहे हैं ए क्यों लिख दिया टर्मिनल टर्मिनल, टर्मिनल आ, देखो आ, टर्मिनल वो पॉइंट होता है जहां से करेंट का एंट्री एंड आपको एग्जिट होता है वो टर्मिनल होता है और जो जलता है वो आपको फिलामेंट होता है ठीक है तो आ, किसने लिखा था एक किसी ने लिखा था ध्यान में नहीं मुझे ठीक है फिर अच्छा हाँ भाई तब से जो लोग खोज रहे थे कि कहाँ मिलेगा पी डी एफ कहाँ मिलेगा पी डी एफ तो ये जगह है और ये जगह को अपने एक रेड डायरी बुक में लिख लेना कि ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट है ये जगह को मुझे जाके ज्वाइन कर लेना है ठीक है तो ये पी आर जे यहाँ पे हमारा पी डी एफ शेयर होता है ठीक है। फिर हाँ अगेन जो बच्चे नए आए अभी आए बहुत लेट से आए ये देखिए पी आर जे लाइव ज्यादा आपको याद करने में दिक्कत भी नहीं हो रहा है ये भी पी आर जे लाइव यहां भी पी आर जे लाइव मारिएगा और कोई भी अगर स्टेट में आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंटरेस्टेड है तो एक मैजिक होगा आपके साथ ये मैजिक क्या है कि ये दाम कट के ये दाम आ जाएगा आप लोगों को लगता होगा कि ये दाम कोई क्यों पे करेगा लेकिन आपको नहीं पता है ऑब्वियसली बहुत लोग गलती से ही करते हैं जान बुझे तो कोई भी नहीं करेगा क्योंकि रिमोट एरिया से आते हैं उन लोग को कंप्यूटर उतना हैंडल करने उतना नहीं आता है आ, तो होता क्या है कभी कभी कि वो लोग ये कोई भी कोड डालते नहीं है ज़रूरी नहीं है कि पी आर जे लाइफ मान लो कोई दूसरे टीचर कहीं डाल दे लेकिन वो वो भी नहीं डालते हैं और इवेंचुअली ये प्राइस पे करके आ जाते हैं एंड वो बहुत सैड स्टेट हो जाता है कि जब आप डिस्काउंट ले सकते हैं तो क्यों नहीं लिए ठीक है इसीलिए हम लोग को बार बार बोला जाता है कि आप लोग इसको यूज क्या करिए ठीक है वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास बताइए भाई ये ठीक है इजी है यार वही नॉर्थ साउथ रहेगा तो इसमें क्या बताना है आ, ये बताओ ये ये इजी है ये क्वेश्चन आपको ठीक है विच पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल ज अ टर्मिनल दैट इज यूज ये भी बेकार है ठीक क्या विच ऑफ दटीरियल अगेन प्लांट प्लेज रोल इन एबजॉप ये भी इजी क्वेश्चन है इन लीव वॉट आर द स्मॉल ओपनिंग हाँ चलो ये अच्छा क्वेश्चन है इन अ लीफ वॉट आर द स्मॉल ओपनिंग्स दैट अलाउड द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फॉर फोटोसिंथेसिज एंड ट्रांसपीरेशन ट्रांसपोर्टेशन मुझे लगा ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया मैंने और नीलिमा आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना डी हाँ मतलब इजी है मतलब अगर जो जानते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही है ऐसा नहीं कि वो टफ ही है देव कुमार ठीक है स्टोमाटा सलो सही जा रहे ठीक है स्टोमाटा स्टोमाटा को गार्ड कौन करता है तो गार्ड सेल करता है ठीक है गार्ड सेल आपको आ, जब मॉइस्चर के हिसाब से मतलब अपने पानी के हिसाब से जब उसे पानी जाता है तो वो ओपन हो जाता है फूल जाता है और जब वो पानी का कमी होता है तो फ्लासिड हो जाता है जब फ्लासिड होता है तो वो आपस में जुड़ जाता है आपस में जुड़ जाता है तो उससे क्या होता है कि फिर वो ट्रांसप्रेशन ट्र, 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 नहीं कर पाता और वाटर सेव कर पाता है लेकिन स्टोवाटा बंद होने के कारण आपको गैस का एक्सचेंज भी बन जाता है तो ये भी इसको भी लेके आपको क्वेश्चन आते रहते हैं तो ये वाला बात भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है फिर डाइट ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत कर लिए तो इसको हटाओ अब विच डेफिशिएंसी हाँ ये बताओ विच डेफिशियम डी एंड लीड्स टू द वीकेंड बोन्स एंड डिफॉर्मिटीज हमने इसके बारे में बात तो किया ही था लेकिन आप लोग बता दोगे तो हो जाएगा कि आपने कर लिया नितेश मैं कोशिश करूंगा जैसे आपको मैंने अपना प्रॉब्लम बताया कि वो प्रॉब्लम ये एग्जैक्टली exactly सही है नीलिमा आ, कि साइंस को ट्रांसलेट करना काफी डिफिकल्ट वाला काम है आपको आइडिया नहीं है इसी चीज़ को वो कैसे कैसे ट्रांसलेट कर देगा और यहाँ पे एकदम गलत सलत लिखना वो तो एकदम स्टूपिड वाला काम होगा ना तो इसीलिए उसमें बहुत टाइम लगता है बहुत टाइम लगता आप है आप सोचिए ना अगर आपको मैं बोल दूँ बस एक पैराग्राफ टाइप करने के लिए तो आपको लगभग पंद्रह बीस मिनट लग जाएगा यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन का बात कर रहे हैं और उसको हिंदी में लिखना आप समझ लो कितना टाइम लगेगा और गूगल ट्रांसलेट उल्टा सीधा कर दे रहा है बिकॉज साइंस में वो काफ़ी फेल करता है तो वहाँ मजबूरी हो जाता है थोड़ा बहुत फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना ला सकता हूँ मैं लाऊँ ठीक है बिकॉज मैं प्रॉब्लम समझता हूँ मुझे खुद पता है यार कि अगर हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते वो भी जुड़ेंगे और वो भी आके सॉल्व करेंगे लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है लॉजिस्टिक वाला चीज़ ठीक है सही आंसर आप लोग का क्योंकि ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर में बात की ही था आ, इस पर ये अपना रिकेट का शेप है आ, अच्छा रिकेट्स जो होता है आ, बोन डिजीज़ होता है ये तो ठीक है एक और डिजीज़ होता है ऑस्ट्रियो मलेशिया ये आप लोग को आइडिया है वो आ, कौन एडल्ट में होता है कौन बच्चे में होता है ठीक है तो ये ऑस्ट्रियो मलेशिया आपको एडल्ट में होता है, है? तो में होता है याद रखिएगा और रिकेट्स आपको आ, बच्चों में होता है ठीक है और ये मैं अलग अलग जो जो मेन क्वेश्चन आता है रिकेट्स का जब मैं बना रहा था तो देखा कि और भी जो मेन बीमारी है उसका भी ले लो तो आपको विटामिन बी थ्री से बताओ भाई क्या होता है आ, ब, बेरी बेरी होता है या पैलेग्रा होता है और विटामिन बी थ्री का नाम क्या था आपको थायमिन था या नियासिन था अगर थायमिन था तो टी लिखो नियासिन था तो एन लिखो एग्जैक्टली एग्जैक्टली अडल्ट फिर ये आगे बढ़े तो पता ही होगा आ, न, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें तो कुछ आ, है नहीं सही है सही है अब आप लोगों को आइडिया तो लग रहा ना कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं बिकॉज एक आदमी पिलागरा लिख रहा है एक लिख रहा है बेरी बेरी अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने दोनों क्वेश्चन पूछा तो एक आदमी मेरे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा और दूसरा वाला आदमी आ, मेरे आ, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा यहाँ नियासिन आ रहा है तो ये सही है कि बी थ्री आपको नियासिन होता है ठीक है स्कर्वी अपना वाइटमिन सी वाला था ये हमने देख लिया था बस ये फोटो मैंने इसलिए लिया कि जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं ना वो सब आप लोग देख लेना जैसे उसमें भी जो पुराने वाले में भी है कि इसमें आपको लॉस ऑफ एपिटाइट है आ, अंडर परफॉर्मेंस डर्मेटाइटिस जो भी आपको नॉर्मल नॉर्मल डायरिया पेलाग्रा डिजीज़ जो ये सिम्टम्स से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन देख जरूर लेना एक बार ठीक है ये आपको बेरीबेरी -बेरी है तो अब इसमें भी आपको होता है वेट एंड ड्राई बेरीबेरी -बेरी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वेट और ड्राई बेरीबेरी -बेरी कभी कभी इतना डिस्टिंगशन करके आएगा ठीक है लेकिन कल को आ जाए तो वी नेवर नो तो कम से कम पता तो होना ही चाहिए कि आपको ड्राई बेरीबेरी में क्या क्या होता है वेट बेरीबेरी -बेरी में क्या क्या होता है ठीक है और ये अपना एनीमिया अगेन वही क्या क्या सिम्टम्स है ये आपको जान लेना है ठीक है बस फोटो ही तो फोटो देखना होता है ठीक है आप विच नीड इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ये हम लोग चलो बना लो इस टाइप का क्वेश्चन कर तो लिया ही है लेकिन एक बना लो आ, आ, ये कौन सा आंसर होगा को सी लिखते हैं क्या इसका आंसर ठीक है ऑब्वियसली क्योंकि हमने पूछ रहे हैं नर्व फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो वो अपना पोटाशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा बता ठीक है एग्जैक्टली exactly, सब लोग सही जा रहे हो मैं फंक्शन दिया हुआ मैं घुस नहीं रहा हूं क्योंकि ये आपकी डिटेल्स के लिए और इसके डिटेल्स में जाना भी नहीं बिकॉज पी में आपको इसका डिटेल्स कभी नहीं आ रहा ये नीट के लेवल का चीज़ है बस आप ये जान लो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन कौन से मिनरल काम आते हैं वो आपको जरूर जानना है वो कैसे काम करते हैं वो जनरली नहीं आएगा ठीक है तो आता है फिर व्हाट इज द रोल ऑफ अच्छा ये सेपल तो हमने किया हुआ है तो हटाओ आ, ये एक बार फोटो देख लो स्टेम जैसे हमने बोला था कि मेल पार्ट होता है क्यों क्योंकि इसमें मेन होता है इसका एंथर इसमें पोलन ग्रीन होता है ये सपोर्ट करता है ये आपको कार्पेल इसको पिस्टल भी कहते हैं एक जगह हमने पिस्टल यूज किया था बट कार्पल कहते हैं कार्पल का दो तीन पार्ट है आपको स्टिग्मा ये ये स्टाइल और ये स्टाइल बोल रहा हूँ ये पोलन ट्यूब्स और फिर आपको यहाँ पे ओवरी एंड ओव्यूज ठीक है तो ये आपको बस ये दो पार्ट आता है मेल पार्ट फीमेल पार्ट और सेपल्स एंड पेटल्स ये सारा इसका रिप्रोडक्टिव रे, ऑर्गन होता है फ्लास का तो ये करके आते रहता है ये इतना हमें जानना चाहिए ठीक है फिर व्हाट इज द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ वेन्स इन द लीफ ये आई थिंक ये सबको पता है हम लोग इतना बार कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल्स ठीक है वॉट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द रफेज हाँ ये क्वेश्चन बनाओ आप लोग इसी का आंसर दे रहे हैं कैसी देश आ, प्रबीर एग्जैक्टली ये इसका आंसर ये होगा ये याद है ना कि हमने रफेज को लेकर शुरू में देखा था कि ये कैलरी प्रोवाइड नहीं करता है ये आपको डाइजेस्ट नहीं होता है ये आपको सिर्फ बल्क प्रोवाइड करता है एंड दैट्स वाई इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ये आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करता है ठीक है फिर आता है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द सिंथेसिस ऑफ कोलाजन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो ये अगर आप लोग सॉल्व कर दो तो अच्छा बात है लेकिन नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो तो वो कोई दिक्कत नहीं होगा हिंट आप यहां पकड़ सकते हो कि विच इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम आपको याद रखो जब कोरोना आया था तो कौन सा विटामिन आपको बार बार खिलाने के लिए बोला जा रहा था बहुत बढ़िया यार आपने क्या पकड़ा है सही पकड़ा है ये क्या हो जाएगा देखो ये फैट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये विटामिन के हो जाएगा यह क्या हो गया यह विटामिन सी हो गया आपको मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ठीक है और ये तो अपना कार्बोहाइड्रेट हो गया तो अपना आंसर ये होगा ठीक है बहुत बढ़िया ये मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं करेंगे लेकिन आप सभी ने ट्राई किया एंड मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट ठीक है विच टर्म ट्रांसल्यूशन पे हमने किया हुआ तो आई डोंट थिंक ये फिर से करना पड़ेगा विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अबस्टांस बींग एबल टू बी डिजोल्व इन अ लिक्विड यूजअली वाटर यह सब बहुत ईजी क्वेश्चन है यार इसमें exactly, तो टाइम नहीं लगना चाहिए था सॉलिबल बस मैंने क्या किया solubarity का डेफिनेशन और सॉलिब्रिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिब्रिटी बढ़ जाएगा क्या हमेशा ट्रू है नहीं गैस के लिए ट्रू नहीं होता है इसीलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो सॉलिड जब sol, जैसे चीनी को जब हमको डिजॉल्व करना है तो तब तो आ, क्या नाम है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली इसका सॉलिब्रिटी बढ़ जाएगा लेकिन गैस के केस में क्या हो रहा है आपको देखो इन द दॉलिब्रिटी ऑफ द गैसेज इन द लिक्विड टिपिकली डिक्रीजेज राइजिंग टेम्परेचर आपको जनरली यूज नहीं होता है लेकिन हेनरीज लॉस जब पढ़ोगे तो इसमें इसका आंसर रहेगा ठीक है थीके? लेकिन ये मैंने एज ए फैक्ट आपको बता दिया ये कभी कभी आता है इसीलिए मैं इसको भी आपको ध्यान रखना है प्रेशर में क्या है ऑब्वियसली जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो थम्सअप में आपको गैस को हम लोग डिजोल्व कर पाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर बढ़ा के गैस को डिजोल्व कर लेते हैं जैसे ढक्कन खोलते हैं प्रेशर रिलीज होता है और गैस निकल जाता है तो प्रेशर से आपको सॉलिबिलिटी बढ़ता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ऑब्वियसली आपका जो सॉल्वेंट uh, है वो पोलर है कि नॉन पोलर है अब आपका जो सॉल्यूट है वो पोलर है और सॉल्वेंट uh, मैंने सॉल्यूट क्या बोला पोलर बोला ना और सॉल्वेंट आपका मान लो नॉन पोलर है तो आपको वो नहीं डिजॉल्व होगा तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपका सॉलिबिलिटी क्या हो रहा है सिमिलरली आपको कॉन्सेंट्रेशन uh, पे भी जो कॉन्सेंट्रेशन आपका जो सॉल्यूशन का ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुका है तो वो चीज़ों को नहीं घुलाएगा वो आपको नीचे जाकर सेटल कर जाएगा तो वो पहले से कितना कॉन्सेंट्रेशन है उस पर भी उसका सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है ठीक है तो ये अलग अलग फैक्टर है जिसपे उसका सॉलिबिलिटी डिपेंड कर रहा है ठीक है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये एक डेफिनेशन दिया होता है एनसीईआरटी में इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं बस उसको मिला रहे हैं हम लोग पानी में फिर गर्म कर रहे हैं और फिर ठंडा कर दे रहे हैं तो वो क्रिस्टल बन जा रहा है और वो क्रिस्टल बनता कैसे है तो ये बताया जा रहा है कि न्यूक्लाई बन जाता है जो सोल्यूट रहता है उसके अराउंड और भी सोल्यूट आकर जमने लगते हैं तो वो एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर लेता है उसी को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो वो 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 यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है वही प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप पढ़ सकते हो अदरवाइज मैंने जो बोला वही होता है ठीक है वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल दैट अलाउज इट टू ट्रांसमिट लाइट वाइल्स स्कैटरिंग इट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स द अदर साइड लेस डे ये हमने किया हुआ है तो हटाओ ये तो ऑलरेडी हमने आव, आव, किया हुआ है फिर वे डेवलपिंग मटीरियल ये बताओ ये ये uh, ऐसे ये भी बता दोगे आप लोग uh, लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत यार मुझे भी अब रेस्ट चाहिए यार आप लोग भी थक ही गए होंगे थोड़ा बहुत कितने बचे हुए ऑलमोस्ट खत्म ही है क्या बोलते हो अब एंड कर दे क्या Uh, क्योंकि मेरा भी पैर अब खड़े खड़ा थोड़ा दुखने लगा है और दिल्ली के पॉल्यूशन ने मेरा भी थोड़ा बैंड बजा के रखा हुआ है तो क्या uh, क्लास का क्या ओपिनियन है कंटिन्यू कर ले क्योंकि मुझे लगता है कि बीस तीस क्वेश्चन और है uh, मतलब कि आधा घंटा से पैंतालीस मिनट और तो या तो इसको अब छोड़ा जाए और आप uh, uh, क्लास का क्या ओपिनियन ये बताओ अगर कंटिन्यू है तो यस yes लिखो और डिसकंटिन्यू है तो नो no लिखो ये आ, देव कुमार यस मतलब कि कंटिन्यू बोल रहे हैं गाजिया लिख रहे टाइट फिर अब आप लोग ऐसा करोगे कि एक हाँ बोलेगा एक ना बोलेगा तो मैं क्या करूँ यार देव कुमार एक और दे दिए नेक्स्ट अच्छा देव कुमार नेक्स्ट दे रहे हैं आ, देव कुमार गाजिया आप लोग यार मैं क्या करूं आप लोग बीच वाला आंसर दे रहे हो यार कोई यस बोल रहा है कोई नो बोल रहा है कोई येस बोल रहा है कोई नो बोल रहा हम्म बताओ क्या किया जाए यार आगे का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं तो वो आप बना लोगे और थक तो मैं भी गया हूं थोड़ा बहुत Uh, सुबह में भी तीन घंटे का क्लास था यार अभी भी है तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी अंदर से मन है कि यार अगले बार ही कर लिया जाएगा लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अभी भी कंटिन्यू करूँगा लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि सर नेक्स्ट क्लास टी टाइम <laughs> नितीश जी तो एकदम गुरु जी है इमोशनल ब्लैकमेल चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं बिकॉज गोहल जी आप फिर से मत बोले गोहल जी आप बताइए क्या किया जाए आ, कि क्लास को कंटिन्यू किया जाए कि अब अगले हफ्ता के लिए छोड़ दिया जाए <laughs> गाज़िया अब मेरे पे लाने लगा <laughs> कि रेस्ट कीजिए सर क्या अभी <laughs> चलो नेक्स्ट क्लास करते हैं ठीक है जो बच्चे नए हैं ऐसे तो आप लोगों सबको पता ही होगा पी आर जे यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा आ, और वहां पे आपको मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले हफ़्ते लेट्स सी अगले हफ्ते का क्या प्लान है बिकॉज ये तो नहीं रहेगा मुश्किल से 20 30 क्वेश्चन बचे हुए तो अगले हफ़्ते ये तो लेके नहीं आएंगे क्या करते हैं वो अगले हफ्ते आपको पता चल जाएगा ठीक है आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा लगा होगा तो आपको ये पता है प्रोसेस क्या है आ, प्रोसेस ये है कि आपको लाइक करना है शेयर करना है और फिर चीज़ों को रिवाइज़ करना है ठीक है मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर और आपको ये मिल जाएगा चलिए तब अप देते हैं एक दूसरे को और उसके बाद सर इंस्टा पे आपको हाँ हाँ गोल व, यही है यार पी आर जे लाइव ही है बस प्रॉब्लम क्या है ना कि उस पर मुश्क, मुश्किल से आपको वो मिलेगा आ, दो तीन पोस्ट ही मिलेगा आपको लगेगा कि वो फेक प्रोफाइल है तो आप क्या करना कि मुझे कुछ आ, वो कर देना आप मैसेज कर देना हाई टाइप का या कुछ भी कर देना सर हम बिहार से हैं और हम रेलवे में ड्राइवर हैं मेरा बिहार एस एस सी सी जी एल थ्री में डी बी हो गया है और बिहार पी पी एस सी टीचर में नियुक्ति पार्ट मिल गया है सर कौन बेस्ट रहेगा हरेंद्र ये सब क्वेश्चन ना मुझे आंसर देना एकदम नहीं आता है पता इसलिए नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं बता सकता हूँ बिकॉज इस सब क्वेश्चन में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आ, कि आपको आपको क्या अच्छा लगता है किस टाइप का जॉब प्रोफाइल पसंद है आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हैं कि आराम देखते हैं आपको ये ज़्यादा पसंद है कि एग्जैक्टली गोल exactly मैंने वही बोला तीन या चार पोस्ट ही है जैसे मैंने बोला भी था कि ये मैंने अब ये सब शुरू किया है मैं अदरवाइज सब करता ही नहीं था आ, तो मैं आप देख लूंगा मैं चेक कर लूंगा अगर आपका मैसेज होगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगा तो आ, हरिंदर इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं ठीक से आपको नहीं दे पाऊँगा आप ये आंसर उनसे पूछिए जो आपके सीनियर्स ये सब जॉब में काम कर चुके हैं वो आपको ठीक से बता पाएंगे कि देखिए अगर आप ए, ए ड्राइवर में आ रहे हैं तो शुरू में ये फ़ायदा होता है बाद में ये घाटा होता है या बीपीएससी टीचर में आ रहे हैं तो ये फ़ायदा होता है और बाद में घाटा होता है आप लोग ए भी क्या किए जा रहे हो यार <laughs> वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो क्या आ, आ, आ तो इसीलिए हरिंदर जी वो आंसर जो वो जॉब कर चुके हैं उनसे बात करिए वो ज़्यादा सही सजेशन दे पाएंगे मैं तो सिर्फ हवा हवाई हवा बात कर पाऊँगा क्योंकि मैं ना आपको जानता हूँ ना मैं आपके रिक्वायरमेंट को जानता हूँ और ना मैं उस जॉब के प्रोफाइल में एक्चुअली में जिया हूँ जो मुझे निटीग्रिटी पता रहेगा ठीक है इसीलिए आप उनसे बात करें जो कि उसके बारे में एकदम सही राय आपको दे पाएंगे एंड देन अपना डिसीजन आप सोच समझ के ले ठीक है चलो तब हम लोग बंद करते हैं कार्यक्रम सभा बंद किया जाए और जय सलाम जय सलाम ठीक है चलो तो, लॉगिंग आउट सर जी